जी आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का ये वेबिनार, जैसे कि आप जानते हैं, उस श्रृंखला का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग आदरणीय परम आचार्य अभिनव गुप्त जी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं और उनकी शरण में जाकर के ये चाहते हैं कि वो अपनी चेतना हमारे सामने उन्मीलित कर दें, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ऐसा विशाल व्यक्तित्व जो है वो बुद्धि से तो समझ में आना कठिन है, लेकिन अगर हम उनके शरणागत होते हैं तो निश्चित रूप से वो कृपावश हमारे सामने अपने को उन्मीलित और उन्मिषित कर देंगे। तो इसी सारे प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए उनके आज जो सहस्राब्दी जो उनका मनाया जा रहा है जयंती, उसी उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। और आज का जो विषय रहा है वो आचार्य अभिनव गुप्त के दर्शन में प्रत्यभिज्ञा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रत्यभिज्ञा इन आचार्य अभिनव गुप्त फिलॉसफी। मूल रूप से ये जो विषय था इसका संदर्भ जो था सौंदर्य शास्त्र को लेकर के था कि आचार्य अभिनव गुप्त सौंदर्य के प्रति उनकी दृष्टि क्या है, उनका दर्शन क्या है और किस तरह से वो इसको सारे विषय को प्रस्तुत करते हैं और कैसे उसको अप्लाइड बनाते हैं। तो उसी संदर्भ में विचार करते करते जब हमने डॉक्टर शिवानी शर्मा से ये निवेदन किया तो उन्होंने ये विषय अपनी दृष्टि से सुझाया और हम ये देखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यभिज्ञा जो है वो स्वयं ने सौंदर्य का एक मूल अवधारणा है, प्रक्रिया है सौंदर्य की, अभिव्यक्ति की भी और अनुभव की भी, तो वो किस तरह से है ये वो विषय हमारे लिए अभी थोड़ी देर में स्पष्ट करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आप लोगों का परिचय कुछ और चीजों से भी कराना चाहता हूं और उसके बाद मैं कार्यक्रम से आप लोगों का अवगत करा के फिर मुख्य वक्ता को हम आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे साथ विषय जो है वो साझा करें। देखिए, इस सारे विषय को जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं और प्रयास करने पे भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। वो चाहे भारतीय परंपरा का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन इस बात को हमें देखना होगा, जानना होगा और एक्नॉलेज करना होगा कि हमारे दो संदर्भ हैं इस वक्त वर्तमान काल में, एक और आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा और वैल्यू सिस्टम है, इस बात को आप नहीं भूल सकते। जो कुछ भी आप भारतीय परंपरा के नाम पे जानते हैं उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें कुछ भी भारतीय मूल्य नहीं है, भारतीय कोई भी उसमें चीज नहीं है, बाकी सब देशों की उठा करके हम लाए हैं और उससे हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसकी भाषा का हम प्रयोग करते हैं और उसी के अनुसार आप जीवन चला रहे हैं। दूसरी तरफ आपका जो पक्ष है वो है आपके जो इंडस्ट्रियल और ट्रेड की जो लैंग्वेज है और उसका जो व्यवहार है, उसके बीच में हमें आज अभिनव गुप्त कश्मीर शैविज्म को परिभाषित करना है, क्योंकि उस इन दो पक्षों ने जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, इनके बीच में हम कहाँ खड़े हों, कैसे खड़े हों और कैसे इस सारे विषय को समझें, देखें और जानें, ये बहुत आवश्यक है। इसको जाने बिना अगर हम कितनी भी बड़ी बातें कर लें, हम उसको विषय को प्रभावी नहीं बना पाएंगे, वो केवल संकुचित होकर के रह जाएगा, कुछ एक लोगों तक, चंद लोगों तक रह जाएगा, वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनेगा। तो उसको जानने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए और इस कश्मीर शैविज्म को मेन स्ट्रीम का विचार बनाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए हमें ये बातें समझनी होंगी। अब अभिनव गुप्त को जानने और समझने के लिए अभिनव गुप्त जी का जो साहित्य है, स्तोत्र और दर्शन साहित्य आदि, तो उसके दो पक्ष आप देख ही पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, एक और सौंदर्य को लेकर के है और एक और दर्शन को लेकर के है, विशुद्ध दर्शन और विशुद्ध सौंदर्य, सौंदर्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र। और बीच में एक चीज बड़ी मजेदार हमें बार बार देखने को मिलती है कि रहस्य भावना जो है, कि सब कुछ रहस्य है। हालांकि रहस्य शब्द जो है वो एकांत वाचक है, वो मिस्टिसिज्म के अर्थ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको चाहे मिस्टिसिज्म के अर्थ में ले लें तो वो अपने आप में एक बड़ा सुंदर शब्द है जो सौंदर्य और दर्शन का को मिलाता है आपस में।
और इसको आप को जो पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या जो आपके पास एक तरह के साधन उपकरण उपलब्ध हैं, वो इसी तरह के शब्द हैं, प्रकाश, चिति, स्वातंत्र्य आदि आदि। मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा दाएं और मेरी दाएं और देखें, तो अभिनव गुप्त के सौंदर्य और दर्शन को समझने के लिए आपको उनके चारों पक्षों को पकड़ना होगा। एक और प्रतिभिज्ञा भी आपको पता हो, उस प्रतिभिज्ञा में संवेदनशीलता लाने के लिए आपको स्पंद का भी पता हो, और वो स्पंद कहाँ होगा, जब सारी मनुष्यता की चेतना इकट्ठी होगी, जब यानी कि कुल बनेगा, और उस कुल में जब क्रमिक विकास होगा, तो कुल मिलाकर के आपका दर्शन और सौंदर्य का समन्वय बैठेगा। तो इन सब बातों को जानने समझने के लिए और इनका विषय विस्तार करने के लिए और इस मार्ग पे हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमने निवेदन किया है डॉक्टर शिवानी शर्मा, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और उनका विशेष विषय भी एस्थेटिक्स है, और विशेष रूप से उसमें इंडियन एंड वेस्टर्न एस्थेटिक्स उनकी विशेषता है। और इस पे अध्यक्षीय भाषण के लिए, अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है श्री ललित परिमू जी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर हैं, जाना पहचाना नाम है, और ऑथर हैं, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, मुंबई में रहते हैं, और कश्मीर शैविज्म के प्रति उनकी जो दृष्टि है और जो समझ है, क्योंकि वो सीधे सीधे साहित्य से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, और वो उसका व्यवहार भी कर रहे हैं, तो कश्मीर शैविज्म का दर्शन लेकर के जिस तरह का उनका कला के क्षेत्र में योगदान है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक नई दिशा और नया मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन इतने से भी हमारी जब संतुष्टि नहीं हुई, तो हमने विशेष अतिथि के रूप में ने प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगेरस जी, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, उनको फिर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है कि वो हमारा मार्ग प्रशस्त करें, इस विषय में हमें दिशा निर्देश अवश्य दें, कि इस सारे विषय को और भी कोई अगर दिशा हो सकती है, तो वो उसके ऊपर बाद में टिप्पणी लेंगे, उनके उसके ऊपर चर्चा रखेंगे, और उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन रहेगा, आप लोगों की टिप्पणियाँ, आप लोगों के प्रश्न, जिज्ञासाएं, आक्षेप, जो भी आपको उचित लगता है वो उसमें साझा कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर सी के झा जी, जो कि हेड एंड कन्वीनर हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एमपीएन कॉलेज मौलाना, वो जो है धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। लगभग 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा, और संक्षेप में ही आप लोग, हमारे जो अतिथि हैं, वो अपनी बात रखेंगे, 20 से 25 मिनट का समय सीमा का ध्यान रखेंगे, और ये आप लोगों को केवल परिचित कराने के लिए हैं, डॉक्टर शिवानी शर्मा जी का और डॉक्टर ललित परिमू जी आप देख सकते हैं, और डॉक्टर रमाकांत जी, और इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सरोज कौशल जी, डॉक्टर सुप्रिया जी, प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी, और सुनील रैना राजानक जी, जो कि इस सारे उद्यम के लिए जो है उद्यमो भैरवा, उन्हीं के लिए संज्ञा शायद बनी है, जो सभी से उद्यम करवाते रहते हैं, उन्हीं के कारण जो है ये 5-6 लेक्चर्स की सीरीज जो है वो आरंभ हुई हुई है, और हर साल जो है वो उन्हीं के उद्यम से ही जो है ये सारा का सारा कार्य हो पाता है। थोड़ा सा और मैं अपनी बात रख करके उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शिवानी जी को। देखिए, हम सबकी एक देखने का एक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि अपनी अपनी इंद्रियों की सीमा है, बुद्धि की सीमा है, तो हम जो कुछ भी है उसको एक विशेष एंगल से देखते हैं, जिसे हम कश्मीर शैव दर्शन में कहते हैं एवं मया दृष्टम, कि ऐसे मैंने देखा, ये ऐसे के ऊपर सारा का सारा बल है, इस ऐसे को ही खोलने विकसित होगा जब हम इस एंगल से बाहर आ जाएंगे। और दूसरा इसका जो पक्ष है एवं मया श्रुतम, कि ऐसे मैंने सुना, ऐसे आचार्य अभिनव गुप्त के बारे में सुना और ऐसे मैंने उनको देखा, और उसके बीच में मैं निश्चित कर लेता हूँ अपनी सीमाओं के कारण, अपने मलों के कारण और बहुत सारे कारणों से, अपने प्रमाता के स्तर के कारण, कि एवं मया ज्ञातम, ऐसे मैंने उनको देखा। कभी मैं उनको दार्शनिक के रूप में देखने लगता हूँ, कभी सौंदर्य शास्त्री के रूप में देखने लगता हूँ, और कभी व्यक्ति के रूप में, लेकिन उन्हें संपूर्ण मनुष्य की चेतना के संदर्भ में मैं नहीं देख पाता अपनी सीमाओं के कारण। और साथ ही साथ समस्या और विकट होने लगती है जब मैं उनको ये जानने की कोशिश करता हूँ कि अभिनव गुप्त को एज ए डूअर, एज एन एंजॉयर एंड एज नोअर मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं,
इस बात को और हमें गहराई से देखने के लिए आप लोगों से दिशा मार्ग दिशा की और मार्ग के प्रशस्तीकरण की आवश्यकता है। स्थिति और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि जब हम उनके बुद्धि के पक्ष को और प्रज्ञा प्रतिभा के पक्ष को देखने लगते हैं, तो बुद्धि और प्रज्ञा प्रतिभा के जो का मेल जो उनमें हमें दिखाई देता है, एक पूर्ण समन्वय उनमें जो दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, उसको जानने और समझने के लिए, उसका उन्मीलन करने के लिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और फिर और थोड़ा सा एक कदम आप आगे बढ़ा लेते हैं कि अभिनव बुद्ध का दर्शन और भक्ति एक योग एक तरफ है और रस और ध्वनि इसके बीच में हम अभिनव गुप्त को आज उनकी चेतना को ग्राह्य करने का प्रयास करेंगे। अब इसके साथ जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दावा करते हैं कि हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतना जो है हमने स्मरण कर लिया और जानने का एक हमारे भाव आता है, लेकिन उसको जानने के लिए एक जो हमने संस्कृत शास्त्रों के आधार पे एक बड़ा स्पष्ट सा मूल्यांकन हमने बनाया है, वो है कि अभिनव गुप्त की भाषा को हम किस स्तर पे जानते हैं। ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं, थोड़े एरोप्लेन्स क्योंकि यहाँ से फाइटर जेट्स निकलते हैं तो उसका शोर शायद बीच में डिस्टर्ब कर रहा होगा। ये आप देखिए कि ये जो सर्कल है ये बताता है कि अभिनव गुप्त की भाषा से हमारा कितना परिचय है, तो आप अपने स्तर पर इसमें कहीं पर भी टिक लगा सकते हैं। आप उनके कर्म से कितना परिचय है, आप 1 टू 16 के स्केल पे टिक लगा सकते हैं। उनकी स्वातंत्र का उद्बोध उन्मीलन जो है उसका कितना आपका परिचय है, उसको आप लगा सकते हैं। उनका धर्म संबंध विचार भाव ज्ञान इससे कितना कितना परिचय है, उसको आप इस पे टिक लगा करके आपको अनुमान हो जाएगा कि आप वस्तुतः जानते कितना है, और ये भी पता लग जाएगा कि इससे आगे हमें कितना और अधिक जानना है। तो ये एक मूल्यांकन पद्धति है जिसे हमें जो है नए जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके माध्यम से अपने सिलेबसिस में लगाना चाहिए उसको, ताकि हम संस्कृत को व्यवहार पक्ष में उसको स्थापित कर सकें। तो कुल मिलाकर के अब आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम अभिनव गुप्त की चेतना को पार्थिव स्तर पर उसने कैसे हमें प्रभावित किया है उसको आज समझने के प्रयास करें। पार्थिव पक्ष का है कि दैनंदिन जो हमारा जीवन है उसमें कैसे हम उनके शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेतना आनंद। आप लोग अक्सर जैसे एक दूसरे से जब प्रश्न करते हैं सुबह मिलते हैं तो ये पूछने की बजाय कि आप कैसे हैं, ये प्रश्न ही नहीं बनता, बल्कि आप पूछें कि आप आनंद में हैं, तो ये आपका पार्थिव पक्ष हो जाता है। शाश्वत पक्ष वो है कि किस तरह से वो अपनी परंपरा को अपने साथ संजोए ला रहे हैं और आगे वो आज तक हमारे तक किस तरह से पहुंच रहा है। तो शाश्वत एक कालक्रम के अर्थ में है जो आज तक चला आ रहा है और आगे भी हमारे से चलेगा। और जो चिन्मय पक्ष है अभिनव गुप्त का, वो है कि उन्होंने कौन से मूल्यों को स्थापित किया है, कौन से ऐसे तत्व उन्होंने स्थापित किए हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये कश्मीर शैव दर्शन में आचार्य अभिनव गुप्त का विशेष योगदान है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शिवानी शर्मा जी को कि लगभग अगले 20-25 मिनट में वो हमारे साथ अपनी चर्चा जो है वो रखें और हमारा जो है वो दिशा निर्देश करें कि इस सारे विषय को हम सौंदर्य की दृष्टि से कैसे समझें, दर्शन की दृष्टि से कैसे समझें। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। आई विश टू बिगिन बाय थैंकिंग द ऑर्गेनाइजर्स। कैन आई शेयर माय प्रेजेंटेशन? प्लीज प्लीज या शेयर योर स्क्रीन। प्रेजेंट नाउ पे जाके प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करके जी जी अब आप अपनी पीपीटी खोल लीजिए। इज इट विजिबल? दिख रहा है? विजिबल, इट इज क्लियर। ओके ओके यस विजिबल विजिबल या
So let me begin. I wish to begin by thanking the organizers for giving me this opportunity to share my views and thoughts with regard to Acharya Abhinav Gupta's philosophy and more specifically the concept of Pratyabhigya. I understand that it is in continuation of the efforts that have been already done by other resource persons and the Honorable Presidential Chair, Sri Lalit Paramuji. I would say that it is an honor to speak under his presidential chair, and it will be a learning experience for me as well. It is, as you know, you said that it is a darshana, it is a philosophy. I know that there are claims, counter claims to this proposition that it is not a philosophy. And I, to some extent, agree with this, that Indian philosophy and especially philosophy that of Acharya Abhinav Gupta is certainly not a dry rational discourse as per the common understanding of philosophy that we have or that we display for our students of philosophy. It is certainly, there is an element of mysticism, there is an element of experiential reality, which adds up to this concept of the notion of philosophy in Indian context. And hence, philosophy in India and philosophy in the West, as understood, are certainly different. They have, though they have similar nomenclature, but yes, the spirit behind the two disciplines are very, very different. And hence, in order to understand Acharya Abhinav Gupta, the normal discourse or the rational discourse is not apt and is not sufficient. That is my humble submission. And another submission is that when we talk of darshana of Acharya Abhinav Gupta, it is certainly, it refers to the aesthetic elements which are duly connected to the philosophical discourse that he has to offer. That means philosophy and aesthetic, they are not separate. Rather, aesthetic principles or components of aesthetics are to be found within the philosophical paradigm that we see in Acharya Abhinav Gupta. With this, I begin in order to save time. The concept of Pratyabhigya that I have tried to explore it, although I had to stop with the aesthetic dimension of it because the time won't permit, and I also have a meeting to attend, so I'll be keeping it very short and crisp. But however, wherever the organizers feel that I'm exceeding my time limit, please let me know. So let me begin by sharing the life of Abhinav Gupta. It's more like a history. It's more like a historical episode in the life of Abhinav Gupta. And I feel that Acharya Abhinav Gupta has not been among those Sanskrit scholars that we see across the Indian literature. He talks, he's a vocal, I would say he's a vocal Acharya who writes about himself. He understands the significance of biography. He understands that historical evidences they play a very evident role in understanding of or developing history. And that is how he departs from the rest of the Sanskrit scholars that we see, Kalidas or Bhas and many other, those who, for whom chronology is not as significant as for Abhinav Gupta. And his text, Tantralok and Paratrinshika Vivaran, is an extensive account of his biography. And the last, that we can say the earliest ancestor of Abhinav Gupta that we find is Atri Gupta, who was supposed to live in the region between Ganga and Yamuna, and the king of Kannauj, that is Yashovarman,
around 732-750 AD is supposed to be the ruling of that area. He was the ruler of that area. And it is believed that Atrigupta was a learned scholar of Shaivism. He was a practicing Shaivite, and on the request of, seeing the scholarship of Atrigupta, the king of Kashmir, that is Lalitaditya, he acknowledged him, he invited him to accompany him to Kashmir and stay there and settle down there. And much, let's say, two centuries later, Abhinavgupta comes on the scene from the father Narsingha Gupta and mother Vimalkala. Although Kanti Chandra Pandey's work on Abhinavgupta shows that the scholar in Kashmir studies in Kashmir, they have this claim that it was not Narsingha Gupta, rather it was the father of Abhinavgupta was Lakshman Gupta. So it is but recognized that Narsingha Gupta is finally considered as the father of Abhinavgupta. Abhinavgupta also mentions about his teachers, more specifically 7 teachers with specific subjects. At the same time, there are 19 teachers which he, reveres like anything, and he puts it on record that he got his initial education from many of these 19 teachers with regard to grammar, with regard to Sanskrit, with regard to many other disciplines. And it is also noted on record that he moved to Jalandhar for learning Kaulik Shastra and many practices from Shambhunath, and who is believed to be the source of attaining self-realization. And there is a gradual development that we see in 3 forms, that is the Krama Shastra, the Trik, and the Kula. And for my convenience, because it is the basic, the fundamental theory that we see around, that is Pratyabhigya Shastra, which is the theory in Trik philosophy, which I wish to elaborate upon. The beginning of philosophical trends and teachings that can be seen in Abhinavgupta's literature is his difference of explanation that we see with regard to the world experience. The why and the what and the where from of the knowable world that we see, he describes it in a very different way. He is not sticking to the definition of explanation given by Sankhya philosophy. He is not sticking to dualism. He is not sticking up to subjective idealism propounded by Buddhism. He is also not sticking up to or upholding the Vedanta concept of monistic idealism, because he is not considering that the world is an illusion as per Vedanta's interpretation. So for him, it is real, rather, because it is a manifestation of one principle to which he calls Maheshwara. And it is all-inclusive in nature. It is all-inclusive universal consciousness, or the concept of self that we usually refer to. And he equates this universal principle of consciousness to a yogi, as a yogi manifests whatsoever is in there, in present inside. He externalizes it out of its own yoga maya, I would say. So similarly, we find that Abhinavgupta is also recommending this this potential of self, of manifestation, manifesting whatsoever is out there is a manifestation of what is actually existing within. And but it is still an ideal. It is an ideal world for him, but a realistic world. So his philosophy is basically known as realistic idealism, and whereby we experience the self just as I have a self, so the self manifests other selves also. So we are equal selves and his manifestation primarily. And Abhinavgupta also wishes us to understand that this explanation of entire knowledge given by dualists and pluralists is highly unsatisfactory
Why? Because they fail to bridge the gulf between the subject and the object. So even if we assume that there is a dualist philosophy, this dualism fails to fails to satisfy the rationality, because there has to be a link between that converges, that merges the two extremes. So hence, I would say that Abhinav Gupta supports the argument that there has to be some principle which contains subjectivity, the subject and the object within itself. And I think the theory of Abhas is somehow is a stronger footing for Pratyabhigya doctrine to be understood and explored. The concept of Abhas is the foundation, I would say, for the doctrine of Pratyabhigya, in the sense that whatsoever that we can think of, whatsoever that we can perceive, perception and conception, these both of these aspects, that is what we perceive or what we conceive, it is basically a linguistic entity. Even a simple perception like I see a color, this color has to have a name which is linguistic in character. Even if I have to think something, that is, even if reality is conceptual, that again would be linguistic in character. And this, for Abhinav Gupta, anything which is linguistic in character is nothing but an abhas. And but at the same time, Abhinav Gupta recognizes that there is a reality way beyond than this abhas, to which he calls anuttar or para or purna samvit, and it is really beyond beyond which there is nothing. It is the final reality. It is the ultimate reality, which is absolutely free from limitations of language or definability. And finally, defining it is not possible, according to Acharya Abhinav Gupta. And it cannot be spoken of either as this or that. There is no definition. It is more like Buddhist Chatushkoti Vinirmukt. So it is neither this nor that, nor not this nor not that. It is all, but not in the sense in which all is apprehended by the limited human capacity or human mind. The intellectual ability that we apply to understand and grasp and apprehend this ultimate reality is simply, it fails us to understand it. So the mind cannot grasp it. Hence, it is beyond language and it cannot be perceived, but it can be realized. Now, here, Abhinav Gupta's philosophy completely, embarks itself from this whole notion of rationality in philosophy, because the realization element brings in the mystic element, brings in the anubhav, the principle of anubhav, which is the foremost self-illuminating authority and conviction, which gives support and foothold to the principle of, self-evidence in consciousness, which I think is the unique contribution, which is the unique most contribution of Acharya Abhinav Gupta's philosophy. For Acharya Abhinav Gupta, reality is something which is Prakash and Vimarshamay. This is, the two are, equally applicable on reality. That is, the Abhasvad theory holds that there are two kinds of reality. One is completely immanent, that is, that we see around, and one is which is beyond this immanent world, that is transcendental. And they both form reality. It is not that the world is not real. He accepts that the world has its own form of reality. It has its real, it is a real entity, but it is a momentary phase of transcendental manifestation. So immanent for him is described as Prakash and Vimarshmay. This immanent reality is a combination of Prakash and Vimarsh. The two terms, they represent an aspect of the individual self.
प्रकाश इज लाइक अ मिरर एंड इन दिस सेंस सेल्फ बिकम्स द सबस्ट्रेटम वेयर एवरी साइकिक इमेज रेस्ट्स अपॉन, एवरी साइकिक इमेज गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन, व्हिच आर मियरली मोड्स or let's say different forms due to different stimulus received from external perception or internal factors. So both the images that we see around or the images that get manifested in our psyche is could be because of internal factors and also could be because of external factors, that is the perception and internal factors. He will finally draw it down to smriti or remembrance or memory, because we are talking here of Pratibhigya school. So Pratibhigya school would finally establish, try to establish that this is nothing but recollection, remembrance, memory, that we have all residual traces of in the form of sanskaras, which would finally, he would establish that we have to revoke them, revive them, to depend on them for final unification with the Maheshwara. So the self is not only Prakashmai, it is also Vimarshmai, which signifies a capacity of the self with which it reflects upon self, its own self, which with which it ponders over self, contemplates, meditate, and that is how it starts knowing itself in all its purity. And in that state of perfect freedom from all affections, to analyze all its states of varying affections due to external or internal causes. So Vimarshmai or the Vimarsh aspect of individual self is something through which it tries to know itself, or it gets back to what it was originally. Another feature of individual self in Pratibhigya school is that it is self-luminous. That is self-luminous, it needs no other authority to tell it that yes, it exists. It is existent in its own right. There cannot be any challenge, or there cannot be any question which can challenge this position. It is self-luminous and it needs no other, praman to prove it. So it speaks for its own entity. And also another feature that I just mentioned, that it contains residual traces within itself, or we call it sanskaras. And also it is capable of receiving reflections. Now this reflection is happening only because it is primarily a principle of consciousness. It is consciousness, and that is how it knows itself, it reflects on itself, and also it is receptive of other existent realities also, and that is how it the self knows oneself also and others also. And also it controls what it contains within, and it also give rise to new psychic phenomena with these residual traces, which are essentially the same with itself. And only on this basis, the capacity of imagination and building up from the latent traces is further extended to the concept of Pratibha that we see in Abhinav Gupta's aesthetics. So this reflection and imagination, these are the extended versions of Vimarsh aspect of individual self. And we also see that these aspects of Vimarsh and Prakash, these are also reflected in the universal self according to Pratibhigya school. And how it reflects, it is like, as I mentioned earlier, that Acharya Abhinav Gupta believes that as a yogi would, create a world of his own out of nowhere, rather from within itself. He also mentions that the universal self creates this universe out of this Swayam Bhitti, that he creates out things out of his wall. He has all the elements, he has all the potential, he has all the material within itself from where he or she is creating it. It is the better I would say pronoun to mention the ultimate reality. So the manifested universe is apparently separate from the self, much as in the case
जैसे हमारे को शीशे में कोई चीज दिखती है, तो वो शीशे में चीज दिखाई देना और शीशे से अलग जो वस्तु है, दे आर टू डिफरेंट सेपरेट थिंग्स. सो द वर्ल्ड इज एक्चुअली नॉट सेपरेट बट येट अपेरेंटली सेपरेट फ्रॉम द थिंक विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेल्फ और द फाइनल द एब्सोल्यूट रियलिटी. And the difference between prakash of the individual self and the universal self is the affection of the former is caused by internal or external causes. Lekin jo universal self hai usme koi bhi external or internal cause jo hai wo nahi uth sakta hai. Uski apni ichha hai jisko wo aage chalke swatantra shakti kahenge, usko apni ichha ke madhyam se wo apne aap mein vimarsh ko jagrit karta hai. So manifestation is a systematic action and requires selection made out of the existing stock within. जो भी उस परम शिव में, जो कुछ भी या महेश्वर में जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें से वो जो भी क्रिएट करते हैं वो एक बहुत सिस्टमैटिक एक्शन के तहत हमें देखने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि उनको हमने फाइनली हमने क्या आचार्य अभिनव गुप्त स्थापित करेंगे कि वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो नॉलेज है, उसमें विल है. तो ये नॉलेज विल और कॉन्शियसनेस का जो संगम है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत रैंडम हो. देर इज नथिंग सच एज रैंडमनेस इन दिस एंटिटी कॉल्ड यूनिवर्सल सेल्फ. रादर देर इज अ प्लान, रादर देर इज अ मोड ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ विच द सेल्फ इज क्रिएटिंग और मैनिफेस्टिंग द world of abhasas. And vimarsh in the universal self is again somewhat similar to the vimarsh in the individual self. It is self-consciousness is essential for there to be desire. Chetana hone ke saath aapki ichha hona usme. Ichha ke bina na gyan hoga aur chetana ke bina ichha nahi hogi. So consciousness, desire and knowledge, these are highly connected, interconnected concepts, and any systematic action is not possible unless there be knowledge of the object towards the accomplishment of which particular activity is to be directed and of the means by which it is to be achieved. And the universal self is also aware of the means by which it is going to achieve this manifestation or the world of abhasas. So vimarsh then would stand for the power which gives rise to self-consciousness, will, knowledge and action in succession. So vimarsh is known as swatantra shakti or the power of Lord Maheshwara. And वसुगुप्त इसी विमर्श शक्ति को चैतन्य बोलते हैं, चैतन्य महात्मा करके रेफर करते हैं. स्पंद शास्त्र में हमें स्फुरता का सिद्धांत मिलता है. कुछ कुछ एक टेक्स्ट इसको महासत्ता कहते हैं, कुछ लोग इसको परावाक कहकर संबोधित करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट आइडेंटिटीज फॉर द सेम एंटिटी इन कश्मीर शैविज्म. So Abhinav Gupta also tries to explain this why of the manifestation, why this world of abhasas is created. So to this Abhinav Gupta finds that one must not challenge the very nature of the, you know, entity, like any entity. One must not ask why fire burns. It is very natural. It is very natural for consciousness, once it is considered to be consciousness, to assume variety and diverse forms. For example, a jar cannot change itself, or anything which is non-living cannot change itself until unless there is some external agency which changes it. So for Abhinav Gupta, this universal self is unlike jar. It has it has its own consciousness which, out of desire, out of knowledge, out of will, in order to execute the manifestations or abhasas, it has complete control over itself. And that is how he comes to the concept of change. That while the universal self manifests abhasas, does it change? How can reality change? So to this, he explains that there are a number of theories of change. For example, Agam is a
form of change whereby, you know, you visit a place and after 10 years you visit the same place and then you say, oh, new things have come up on this same place. And abhaya is another form of change whereby, you know, you visit a place after 10 years and you say, oh, there used to be a statue here, now it is not existence. And that is abhaya. And parinam, that things, you know, they change. For example, a gold, an element is something out, made out of gold, a chain of gold is actually a gold, but there is a parinam, there is a change of it. And vikar is something like, you know, a curd manifesting out of milk, which is not going to take the similar form which it had earlier. So vikar. Madam, excuse me, may I request you to conclude within 5 minutes, please? Yes. I'll be restraint is there. Right. So the abhasas for Abhinav Gupta is somehow like an ocean, you know, unfolding itself into waves and waves coming back to and merging back into the ocean. So this identity relationship is not that of change, the way we see in Agam, Apaya, Parinam and Vikar. And skipping Abhasvad is also, as I promised, that Abhasvad is directly related to theory of remembrance or Pratibhigya, and it hinges on the permanence of the experiencing self. That is, permanence is most essential attribute of the self and remembrance, because we were discussing that, is it liable to change? So Abhinav Gupta says, no, it is absolutely not liable to change. Rather, this principle of self is absolutely permanent. And this is supported again by the theory of remembrance, that it is one of, I remember certain things in my previous experiences. Why? Because it gives me a support that there was a self at that time also, and now that self is existing at this time also, which can remember the past. So this ensures that there is a self in continuation. It has not deviated from my past, and hence it requires an object, not a new presentation. This theory of remembrance suggests that remembrance or pratibhigya means that there is a self who has experienced something in the past, and now he is not remembering the object, he is only remembering the experience of the object in the present circumstance. And hence the limited individual self would have two aspects, which would be momentary and one permanent. And the former dissolves with the dissolution of the momentary identification with the body, but the second lasts even through the universal dissolution. And I'll be just covering it up quick. And this remembering subject, how does it, you know, have a separate existence? Does it have any separate existence? So Abhinav Gupta suggests that images made up of material taken from the sense perceptions and the old stock of memory, they are also of two types. Some merge back into the universal consciousness soon after the cognition, while others continue to have separate existence with their association of time, place and limited individuality, which suggests that that it is completely, it is our onus to realize this our unity with the universal self. And unless we do it, we cannot be liberated. We cannot be one with the universal self. And this permanent aspect of individual self is exactly in the manner in which the abhasas, which get merged back into the universal consciousness, and the remembering subject has complete power, has got full power to unite or to disunite the abhasas of which it is a permanent abode of. And how does the phenomenon of remembrance arise? And I'll just read it out for you. When the revival takes place, the object shines as associated with the time of its former perception and the feeling of pleasure or pain which it then aroused in previous experiences. This is united with the momentary self, luminous self,
as identified with the body or according to the nature of the thing remembered. The remembering self also has its own limitations. Thus, when the abhasas of the object of former experiences are united with those of limited self, a new phenomena occurs, remembrance, similar to that which is produced by hundreds of small lights shining together at one place. This was a quote, that is why I'm reading it, because Abhinav Gupta says it. This at the moment of this remembrance, when pratibhigya occurs, what happens? That there are small lights, hundreds of lights, when they sparkle together, that kind of an experience is, you know, experienced. And in remembrance, there is the consciousness of both the times, the time of first appearance of the object in the past perception and that of its reappearance now in the additional light of the momentary remembrance as remembering self as associated with the present times. Finally, as I will not be able to explore this concept of pratibha, but pratibha is an extension of the school, the doctrine of pratibhigya darshan, which draws the meaning of bha. Bha, dhatu ka matlab hai shine karna. Aur pratibhati ka matlab hai to shine for whom? Kiske liye? To ye jo kiske liye hai, this adds up a purposive attitude of the percipient. Ki koi pramata hai jiske liye ye abhasit jagat maine rakhta hai. And also, it is to me, I as a pramata make sense in this whole narrative of aesthetics in Kashmir Shaiv philosophy. And also pratibha draws our attention to the subjective basis of the objective consciousness. And finally, pratibha is nothing but an extension of vimarsha shakti. That is, with these words and with this submission, I lay my argument. Thank you so much for giving me this opportunity to share my views. Thank you. धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और बड़े स्पष्ट रूप में आपने प्रतिक्रिया दर्शन के जो मूल आधार हैं उनको आपने हमारे लिए स्पष्ट किया है, और निश्चित रूप से इस आपकी इस वक्तव्य से हमारे सामने प्रतिभिज्ञा का एक पूरा दर्शन स्पष्ट होता है कि क्या आवश्यक है और क्या उसमें कौन से तत्व हैं जिनके बारे में हमें पता होने चाहिए, कौन सी शब्दावली, उसके लिए बहुत बहुत आभार। समय की सीमा है इसलिए मैं थोड़ा आगे चलना चाहूँगा, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रेजिडेंट कमेंट्स के लिए श्री ललित परिमू जी को। जैसे कि मैंने उनके विषय में आपको पहले बताया कि वो कला और साहित्य से सीधे सीधे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ अपनी परंपरा को अभी वहन वो कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जहां वो इस प्रतिभिज्ञा को, इस काश्मीर शैव दर्शन को कला के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और संभवतः उन्होंने किए भी होंगे। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें कि कला के क्षेत्र में जो प्रयोगात्मक क्षेत्र है उसमें इस काश्मीर शैव दर्शन को वो सारे के सारे कैसे देखते हैं, और अभिनव गुप्त के विषय में वो उनके साथ अपनी बात साझा करें। श्री ललित परिमू जी, धन्यवाद। आशुतोष जी, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवानी जी, आपको सुनने का मौका मिला, बहुत स्पष्ट तरीके से, अच्छी भाषा में, सौंदर्य के साथ आपने आज के विषय को प्रस्तुत किया है। काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर किया, और प्रतिभिज्ञा शास्त्र को जिस तरह से समझना चाहिए, समझाना चाहिए, आपने उसे अच्छे ढंग से रखा। पहले आपने आचार्य अभिनव गुप्त की जीवनी का जिक्र किया, फिर जो शैव दर्शन के प्रमुख तीन अंग है, आगम शास्त्र और प्रतिभिज्ञा शास्त्र और स्पंद शास्त्र, इसमें सबसे कम अंडरस्टूड है प्रतिभिज्ञा शास्त्र, और हालांकि सबसे पावरफुल है। यहाँ पे एक चीज़ मैं अपने अनुभव से जोड़ना चाहूँगा कि तीनों सिस्टम्स में तो पहला तो सबसे डिफिकल्ट है, आगम शास्त्र में, चूँकि जिसमें उपायों का जिक्र है, साधनाओं का जिक्र है, जो आम आदमी के लिए संभव नहीं था, मुश्किल था, तो शायद उन्हीं के लिए, और जो ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि के मार्ग से चलते हैं, चिंतन मनन से चलते हैं, और उन्हें उनके पास साधना में पद्मासन लगाने का वक्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रतिभिज्ञा स्कूल डेवलप हुआ, और बहुत अच्छे से वो समझा गया, पॉपुलर भी हुआ।
इसके बाद जब आपने प्रतिज्ञा का जिक्र किया तो आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई वो बहुत सही बात है। सबसे अच्छा पॉइंट तो लास्ट का था जिसमें और समय बिताना चाहिए था, थ्योरी ऑफ रिमेम्बरेंस। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रतिज्ञा शास्त्र एंड इट नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन एंड टाइम एंड इट कैन बी अप्लाइड इन लाइफ ऑल्सो। आगे की बात करने से पहले, जैसे आशुतोष जी ने मेरे बारे में कहा मैं एक कलाकार हूँ, पर मैं 2 मिनट में अपनी एक छोटी सी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। वो ये है कि मैं हूँ तो एक कलाकार, थिएटर टेलीविजन फिल्म्स में काम करता आया हूँ, रोजी रोटी मेरी यही है, लेकिन मैं भारतीय दर्शन से जुड़ा हूँ जब मैं 26-27 साल का था। और कैसे हुआ मैं उसको अपने जीवन में अर्जुन विषाद योग कहता हूँ। मेरे जीवन में गहरा विषाद आया और मैं ग्लैमर की दुनिया से डिसअपॉइंट हुआ था। मुझे लग रहा था ये झूठी दुनिया है, नकली दुनिया है, जीवन का अर्थ ये नहीं है, कहीं कुछ और होना चाहिए। तो अर्थ की खोज में मुझे कुछ कुछ फिलोसफर्स मिले जिसमें पहला बड़ा नाम स्वामी विवेकानंद का था। उनको पढ़ने से, उनकी किताबों को देखने से जीवन में एक आशा जगी कि ये आदमी कुछ सही बात कर रहा था और जीवन के अर्थ तो ऐसे खोजा जाना चाहिए। फिर चलता रहा ये सिलसिला, विवेकानंद जी से मिले रामकृष्ण परमहंस, वो लगा कि बाप तो ये है, विवेकानंद जी तो छोटे थे। फिर स्वामी अरविंद, जय कृष्णमूर्ति, महेश योगी और मेहर बाबा, ऐसे करके मैं गुरुओं की तलाश में बहुत भटकता रहा हूँ। अंत में श्री श्री आनंद मूर्ति जी एक गुरु हैं जिन्होंने आनंद मार्ग नाम का एक संघ स्थापित किया, उनके सन्यासियों के यहाँ मैंने बाकायदा तंत्र साधना की दीक्षा ली और प्रैक्टिस करता रहा। तंत्र से आकर्षण हो गया था जब मैं फिलोसफी पढ़ रहा था, तो ये समझ में आ गया था कि आत्मज्ञान जो है ये कुंडलिनी के जागरण से ही संभव है और वो तंत्र में ही है और वो बड़ा छिपा हुआ है, वो ऐसे पंडित लोग स्कॉलर लोग नहीं जानते। तो मैं शूटिंग के दौरान भी जब जब कहीं जाता था, कहीं भी हिमालय में, हिमाचल में, असम में, बंगाल में, साउथ में, मैसूर में, मैं हर जगह सन्यासियों से मिलता, ढूंढता और पूछता कि आपको कुंडलिनी जगानी आती है, आप जानते हैं विद्या, वो भी बोलते कुछ नहीं, बोलते नहीं, हम तो बस भगवद गीता सुनाते। तो ये आनंद मार्ग के सन्यासियों के द्वारा मेरी दीक्षा हुई और मेरे जीवन में परिवर्तन आया। और कुछ कुछ ये घमंड नहीं कह रहा हूँ मैं, कान पकड़ के अहंकार को कम करते हुए कह रहा हूँ, कुछ कुछ साधना की अनुभूतियाँ हुई जिसे समाधि कहते हैं, जिसे आशुतोष जी ने शुरू में जो कहा आनंद कहते हैं, मैंने उस आनंद को चखा। वो जो ब्लिस है, वो जो मन का समाप्त होना है, वो जो कम्प्लीटली एक गहरे सन्नाटे में, साइलेंस में एक अनएक्सप्लेन्ड आनंद है, उसका मैंने कुछ कुछ अनुभव किया। ये बात मैं बता रहा हूँ 2006-07 में ऐसा चलता रहा। फिर उसके बाद मेरे पास, मेरी नज़रों में अभिनव गुप्त की कुछ किताबें या यूं कहो कश्मीर शैव दर्शन की कुछ पुस्तकें जयदेव सिंह के माध्यम से लगी हाथ में। तो शिव सूत्रम उनका एक, उनकी उन्होंने कुछ कमेंट्री लिखी है, तो उस पर जो जो लिखा गया था, खासकर ये तीनों उपाय और शिव सूत्रम में जितने भी सूत्र हैं, वो मुझे जो मैंने सीखा जाना था उससे एकदम तालमेल मिलाता हुआ लगा। और ये लगा कि हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो शिव है, यही तो मात्र का चक्र है, ऐसे ही तो साधना में भी यही बातें हमें सिखाई गई है। फिर मैंने कश्मीर शैव दर्शन का और सिस्टमेटिकली अध्ययन किया और अभिनव गुप्त भी मुझे वहां मिले। हालांकि हम थिएटर के जगत में अभिनव गुप्त से परिचित थे सो फार एज द रस थ्योरी और रस सिद्धांत इज कंसर्न, बट अनफॉर्चुनेटली केवल संस्कृत ड्रामा में अभिनव गुप्त के उस रस सिद्धांत को थोड़ा अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज मॉडर्न ड्रामे में अभिनव गुप्त का रस सिद्धांत एप्लीकेशन के वर्ल्ड में कहीं दिखता नहीं है और ऐसे लोग हैं नहीं जो उसको समझ के जो बातें उन्होंने कही है उसको कहें। खैर वो दूसरा चैप्टर है। मैं मुख्य बात कहना चाहूंगा जो प्रतिज्ञा का आज विषय है, शिवानी जी ने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, उसको मैं कैसे समझा। अपनी जर्नी में मेरी नज़र में 2 और टीचर्स मुझे मिले, जिंदा तो नहीं मिले बट उनके वर्क्स के जरिए, उनके स्टूडेंट्स के जरिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में बहुत, मेरा पैशन प्रैक्टिस ही रहा कि मैं सीखूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिबरेशन में बिलीव कर चुका था। मुझे ये समझ में आ गया था कि जीवन का लक्ष्य है मुक्ति मोक्ष, ये 26-27 साल की उम्र में समझ में आया था। वो एक शब्द है जीवन मुक्त, तो मैं जीवन मुक्त होना चाहता था, अभी भी चाहता हूँ, लेकिन अभी लगता है कि इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, बट वट एवर आई हैव गेन्ड, आई हैव बिकम अ प्यूरिफाइड सोल, दिस आई कैन से, बट इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, बट विद दिस गोल ओनली यू कैन डू सम साधना। तो प्रतिज्ञा से रिलेट में 2 और गुरु मेरे संपर्क में आए, एक जे कृष्णमूर्ति और एक जॉर्ज गुरजीएफ, वेस्ट के, यूरोप के, जो बाद में अमेरिका में काम किए। जे कृष्णमूर्ति का कॉन्सेप्ट चॉइसलेस अवेयरनेस,
और गुरुजीएफ का कॉन्सेप्ट सेल्फ रिमेम्बरिंग इज प्रतिभिज्ञा, और प्रतिभिज्ञा इन मॉडर्न टाइम्स इज वेल एक्सप्लेन्ड एंड प्रैक्टिस्ड बाय जय कृष्णमूर्ति सिस्टम ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस एंड गुरुजीएफ सिस्टम ऑफ सेल्फ रिमेम्बरिंग. वी रेड अबाउट थ्योरी ऑफ रिमेम्बरेंस. थ्योरी ऑफ रिमेम्बरेंस जो है इज नथिंग बट सेल्फ रिमेम्बरिंग. नाउ हाउ डज वी हाउ डज इट हैपन इन रियल लाइफ. Now, how pratyabhigya can be applied in real life, this is foremost important aspect. मैंने पूरे pratyabhigya शास्त्र में या पूरे शैव दर्शन में मैंने कहीं प्रैक्टिस का एलिमेंट देखा नहीं है. रीजन ये है, उसकी वजह यह है कि पुराने सिस्टम में इवन आज भी कोई भी गुरु प्रैक्टिस को कोडिफाई करके नहीं लिखेगा. जैसे शैव दर्शन में कुंडलिनी जागरण की बात है तो कुंडलिनी एग्जैक्टली कैसे जगाई जाती है उसकी विधि कहीं मेंशन नहीं है. चित्त शुद्धि और भूत शुद्धि बहुत अहम है लेकिन वो कैसे किया जाता है मेंशन नहीं है. कोई भी स्कॉलर उसको बस वो इष्ट मंत्र का जिक्र कर सकता है और मूलाधार से सहस्रार की यात्रा की बात कर सकता है लेकिन वो कैसे होती है ये जिक्र नहीं है. ठीक ऐसे ही प्रतिभिज्ञा शास्त्र का अभ्यास, उसका जो प्रैक्टिस पार्ट है वो कैसे होगा ये कहीं मेंशन नहीं है प्रतिभिज्ञा शास्त्र में. हाँ, उसके जो डॉक्ट्रिन है वो मेंशन्ड है, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये फंडामेंटल पॉइंट है. हम उसके पहले भी अगर हम प्रतिभिज्ञा शास्त्र अध्ययन करते हैं तो उसमें से 36 एलिमेंट्स को भी पढ़ाया जाता है. ये 36 एलिमेंट शैव दर्शन के फंडामेंटल पॉइंट है. तो उसमें हमारी इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां जो 10 हैं, ये 10 से हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जुबान से चखते हैं, हाथ फंक्शन करता है, पैर चलते हैं. तो ये जो 10 ऑर्गन्स ऑफ फंक्शन है बॉडी के, ये यहाँ से स्टडी शुरू होती है. और जब हम कुछ देखते हैं, जैसे हम परसीव कर रहे हैं, आंख ने ये देखा, मैं अभी देख रहा हूँ, ये लैपटॉप मुझे देख रहा है, लैपटॉप को मैं देख रहा हूँ, बट कौन देख रहा है? तो अभी सब्जेक्ट कौन है? हम बोलेंगे आई इज अ सब्जेक्ट. बट और डेप्थ में जाए तो आई के पीछे जो ऑप्टिकल फ्लूइड है दैट इज अ सब्जेक्ट. ऑप्टिकल फ्लूइड के अंदर जो मन फंक्शन कर रहा है, अगर मेरा मन इधर नहीं है, मान लीजिए मेरा मन हठात उधर चला गया, बिल्डिंग बन रही है, या मैं ख्वाबों ख्यालों में चला गया, तो मैं लैपटॉप को देखते हुए भी नहीं देख सकता हूं. तो द सब्जेक्ट इज माइंड. माइंड के पीछे एक और चेंबर है, उसके अलग लेयर है, डीपर लेयर्स ऑफ माइंड है, जिसे मन बुद्धि अहंकार के रूप से आप समझ सकते हैं. एक वॉचमैन है अंदर, एक विटनेसिंग एंटिटी है भीतर जो बाहर के सब्जेक्ट को देख रहा है. यहां तक हम कॉमन सेंस से पकड़ सकते हैं, लेकिन प्रतिभिज्ञा या रिमेम्बरेंस आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप चूंकि बाहर देख रहे हैं लेकिन आप अपने आप को भी तो देख रहे हैं. मैं जीवित हूं, मैं हूं, ये आभास कैसे हो रहा है? तो अपने आप को भी देखो. तो मन की आंख से आप स्वयं को भी देखो. स्वयं को देखने का मतलब ये चेहरा, ये बॉडी, ये हाथ, ये पैर, मैं यहां बैठा हूं, मैं लैपटॉप को देख रहा हूं और आंखें देख रही है और साथ में मैं स्वयं को देख रहा हूं. ये जब आपका परसेप्शन ऐसा होना शुरू होता है तो ये दोधारी तलवार है. कॉग्निशन बाहर भी है और भीतर भी. पहले इस अवस्था में आना है, बाहर भी आप वॉच कर रहे हैं और भीतर भी वॉच कर रहे हैं, विच इज द माइंड. सो माइंड इज वॉचिंग माइंड एंड माइंड इज वॉचिंग दिस लैपटॉप. जब इस फिनोमेना पे आप पहुंचेंगे तो आप प्रतिभिज्ञा के गहरे लेयर को टच करते जाएंगे. फिर उसके अलावा उसके सेकेंड लेयर में, जैसे अभी ये लैपटॉप का जिक्र किया मैंने, मैं इस रूम में हूँ, इस रूम में दाएं तरफ टेलीविजन, यहाँ पे दरवाजा, वहाँ पे एसी, यहाँ पे बेड, यहाँ पे अलमीरा, यहाँ पे गद्दा रखा है, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स भी तो वहाँ मौजूद हैं. क्योंकि कॉस्मिक लेवल से अगर आप देखें तो ये सब उसको दिख रहा है सुपर सेल्फ. लेकिन इस जो छोटा सेल्फ है, यूनिट सेल्फ, वो भी तो देख रहा है. तो धीरे धीरे मन को और इनके साथ समाहित करना है. तो इस मोमेंट को पूरी बारीकी से पकड़ना है. तो जब ये मोमेंट पकड़ में आएगा तो एक क्षण ऐसा आएगा जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ मर्ज हो जाएगा और जो रहेगा वो है सेल्फ. और उसकी अनुभूति होगी आनंद. उसमें कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप धीरे 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 इतने वैनिश टाइप हो जाते हैं, खुली आंख से भी आनंद की अनुभूति होती है, या कभी कभी आंख बंद भी हो जाती है. आप उस मोमेंट में शिव के साथ लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं. फिर थोड़े समय बाद किसी वजह से वापस आप लौट आते हैं, नया ख्याल आया या किसी की कोई आवाज़ आई, कुछ हुआ, आप डिस्टर्ब हुए, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन का गहरा क्षण था वो समाप्त हो जाता है. तो ये प्रतिभिज्ञा का प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसे
मैंने जिक्र किया जय कृष्णमूर्ति और गुरुजी को, उन्होंने इस पर बहुत काम किया। तो हमारे पास ये स्कूल है और इस स्कूल का अभ्यास करना बहुत जरूरी, इसी में इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं, इसमें कोई कुंड ये पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं, इसमें कोई हाथ धोने की जरूरत नहीं, माथा धोने की जरूरत नहीं, कोई फूल नहीं, केला नहीं, कुछ नहीं, ये कहीं भी आप कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट फिनोमिनल है। और ये प्रतिविज्ञा के जरिए शैव दर्शन में एक और बात जो शिवानी जी ने भी जिक्र किया उसको हमें थोड़ा सा सीमेंट करने की बात है। शैव दर्शन शुरू से ही इस बात को कहता रहा है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो फ्यूटाइल नहीं है, वो शिव का ही एक्सप्रेशन है। जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है दैट इज ऑल्सो मीनिंगफुल, इट हैज मीनिंग, इसमें भी कुछ करना है। जो जनरल हिंदू दर्शन में एक बात सामने आती है कि बाहर का जगत या संसार जो है माया है, झूठा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये त्रुटिपूर्ण दर्शन भारत में रहा जिसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ देखिए कश्मीर के शैवाइट लोग इस बात को मानते थे कि हमें इस बाहर के संसार में भी अचीव करना है, जीना है अच्छे से, संसार को जियो, संसार में जो कुछ करना है वो किया जाए और साथ में उस शिव के साथ तालमेल मिलाते जाएं और अपना लक्ष्य जो है मुक्ति मोक्ष की तरफ ले चले। पता नहीं समय 5 मिनट और है या मैं अपनी बात समाप्त कर दूं यहीं पे। आशुतोष जी प्लीज टेक 5 मिनट्स मोर। उसमें अब दूसरी बात आती है, प्रतिविज्ञा और कला में एक तालमेल है। कलाकार चूंकि इंट्रोवर्शियल वर्क करता है, चाहे वो पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, एक्टर के साथ ज्यादा संभावना है, ये मैंने एक्टिंग करते हुए जिक्र महसूस किया है, क्योंकि एक्टर जब वर्क करता है चाहे वो मंच पर करे चाहे वो कैमरे के सामने करे, वो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले फिनोमेना में ज्यादा नेचुरल तरीके से वर्क कर रहा होता है, बिकॉज उसके पास कुछ लाइनें होती है, उसके पास एक लोकेशन होती है, उसको उसके पास कुछ दूसरे आर्टिस्ट होते हैं, तो उसका उन्हीं के साथ एक इंट्रैक्शन होता है, वाणी के जरिए वो उन्हीं शब्दों को मनी मन दोहरा रहा होता है, तो वो एक कॉन्सेंट्रेशन का काम कर ही रहा होता है। और कई बार जो इस तरह के काम करने से जब आप अच्छा शॉट देते हैं या अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो आपको आनंद का अनुभव होता है, जिसे कला का आनंद कहते हैं, प्रतिभा की बात कहते हैं, या नंदन विज्ञान के कैटेगरी में जिसे हम एस्थेटिक प्लेजर कहते हैं, वो अनुभव होता है कलाकार को, साथ में दर्शक को भी होता है। दर्शक को थोड़ा सा देर में होता है, लेकिन कलाकार आनंदित अवस्था में आ जाता है तभी वो कुछ क्रिएट कर पाता है। मैं एक एक्टर होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि असली आकर्षण एक्टर्स का इसको पाने के लिए है, वो नहीं जानते, वो गुमराह होके नेम एंड फेम के पीछे भागते हैं, आज का जमाना ऐसा ही है, लेकिन डीप डाउन एक्टर एक साधक ही है, वो उसको चेज कर रहा है, वो शिव को चेज कर रहा है, मगर वो जानता नहीं है कि उसे शिव को चेज करना है, वो चेज कर रहा है ब्लिस को अनजाने में, और एस्थेटिक ब्लिस उसे मिलता ही है, और वो इसी तरह से मिलता है फोकस्ड वर्क से। वो कई बार वो मंच पर दर्शकों को भूल जाता है, कई बार स्वयं को भी भूल जाता है, और उस चरित्र में उन लाइनों के साथ उन भावनाओं के साथ ऐसा वो आत्मसात हो जाता है कि उसे स्वयं का भी बोध नहीं रहता, स्वयं मतलब एज ए पर्सन उस चरित्र में खो जाता है। वो जो चरित्र में खोने की प्रक्रिया है उसी से उसे थोड़ा सा प्रतिविज्ञा का आभास मिलता है। तो खैर ये लंबा विषय है, इस पे स्कॉलरली वर्क के साथ साधना की जरूरत है, और जैसा मैंने कहा कि अगर हम ये कोई भी इसका प्रैक्टिस कर सकता है, बट इसे करने की जरूरत है, करेंगे तो डेफिनेटली वो मिलेगा जो हमने आज दो चार बातें सुनी पढ़ी, खासकर सेल्फ रिमेम्बरिंग। ये सेल्फ रिमेम्बरेंस जो है एक अद्भुत अनुभव है, जैसे ही आपको कभी सेल्फ रिमेम्बरिंग का अनुभव उस वर्ल्ड स्टेज पे हो जाएगा, कभी आप चलते ट्रैफिक में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको लगेगा एक नाटक चल रहा है, आपको लगेगा सच में ये दुनिया एक नाटकीय दुनिया है, यहाँ पेड़ है, वहाँ बादल है, यहाँ गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी जा रही है, शोर, अब साउंड को भी सुनते रहे और उस शोर को देखते रहे और अपने आप को देखते रहे। मजेदार बात यह है कि यहाँ बिना अपने आप को देखे आप ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर सकते, प्रतिविज्ञा की विशेषता यही है, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एट द सेम टाइम। डिफिकल्टी यही है, नॉर्मली हम लाइफ में जो ईश्वर ने हमें बनाया है हम मैकेनिकली बाहर देखते हैं, बाहर सुनते हैं, बाहर का जगत ही हमें पकड़ लेता है इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन चूंकि धर्म का पथ रिवर्स जर्नी है, इन्हीं इंद्रियों को हमें रिवर्स भी करना है, और अगर हम रिवर्स करते हुए बाहर की जगत से तालमेल मिलाए तो हम सही अर्थ में शिव हैं, जो अंदर तो गहरे में निर्गुण से कनेक्टेड हैं, बाहर एक ड्रामा खेल रहे हैं, तभी हम
अपने जीवन में भी, जैसे शिव लीला, राम लीला, कृष्ण लीला कहते हैं, हमारा जीवन भी एक लीलामय जीवन हो सकता है। जो हो रहा है लीला है, वो नाटक है, तभी वो आनंद ले सकते हैं जो इस संसार में आने का आनंद मिलेगा। तब दुख भी है, वो भी एक रोल है, एक अनुभव है, एक 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 रस है, उसको भी आप अगर गहरे में देख रहे हैं तो वो आनंद का ही अनुभव है। हाँ, रिमेम्बरेंस से एक और बात, कबीर के दोहों में हमने सुमिरन शब्द पाया कि सुमिरन स्मरण, उसी का स्मरण, सेल्फ का स्मरण, जिसको लौकिक भाषा में कबीर ने सुमिरन शब्द कहा, या हमारे देश में जो उस स्कूल से जुड़े हुए लोग थे, तो वो मंत्र से भी सुमिरन किया जाता है और वो ऐसे ऐसे भी, वॉचिंग से भी, ऑब्जर्वेशन से भी सुमिरन किया जाता है। तो यहाँ पे विराम लेता हूँ, आगे आशुतोष जी। बहुत बहुत आभार ललित जी, आपको सुनना वाकई अपने आप में एक अद्भुत आनंद देने वाला एक भाव रहा, और जिस तरह से आपने ये सारी बात को, ज्ञान को, क्रिया को और भाव को आपस में मिलाया और प्रस्तुत किया है और सारा विश्लेषण प्रस्तुत किया है, तो वाकई प्रशंसा के योग्य है, और ऐसे ही बात करने की हमें आवश्यकता है अपने छात्रों के साथ और लोगों के साथ जिन जो लोग इस कश्मीर शैव दर्शन से परिचित नहीं है। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि हमारे कॉलेज में आप कभी हमारे छात्रों के साथ एक कार्यशाला इस विषय पे करें, और हमारे साथ म्यूजिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर परमजीत कौर जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनको जरूर निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट जो हम लोग प्रयास करें कार्यशाला लगाने का, उसमें आपके साथ चर्चा करें और बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम इस विषय पे अवगत कराएं कि कैसे विश्लेषण करने की आवश्यकता है, कैसे एक्टिंग को समझने की जरूरत है और कैसे उसको जो है अभिव्यक्त करने की जरूरत है। तो आपका ये विश्लेषण, मैं सचमुच प्रभावित हुआ हूँ, वाकई आपसे बात करके और सुन के बहुत अच्छा लगा है। लेकिन ये धन्यवाद ज्ञापन जो है अभी हम बाद में करेंगे, चर्चा को लेंगे, लेकिन उससे पूर्व जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों ने आज विशेष रूप से आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर एंड हेड रहे हैं संस्कृत विभाग के पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनको हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि वो इस विषय के ऊपर अपना जो है एक विशेष जो हमारा मार्गदर्शन है वो करें। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि मैं कल भी कह रहा था प्रोफेसर डॉक्टर वीना जी के लिए भी मैंने ये बात कही थी कि हम जैसे लोग जो नए नए इस क्षेत्र में आते हैं, वो उस बच्चों की तरह होते हैं, शावकों की तरह होते हैं, जो उत्सुकतावश कभी इधर चले जाते हैं मार्ग से, कभी उधर, तो जो विद्वान लोग होते हैं वो उनको पकड़ के वापस लाते हैं और फिर उनको निर्देशित करते हैं कि भाई दिशा ये है। वो हम शावकों को जो है वो इधर उधर जो चले जाते हैं उनको वो दिशा निर्देश करें कि कैसे जो है इस मार्ग को प्रतिभिज्ञा, जो कि सौंदर्य का भी आधार है, क्योंकि सौंदर्य संपूर्णता का विषय है और दर्शन का भी है कि देखना क्या है, तो सौंदर्य और दर्शन का ये जो मिला जुला रूप है अभिनव गुप्त में, उस पर वो हमारे साथ विचार करें, और उसके बाद जो है ओपन हाउस डिस्कशन रहेगा और उसके बाद फिर धन्यवाद क्या जी। हेलो जी जी, आवाज आ गई। मनस्तवित भार उपस्थित शांतम सामपि सभी सम्माननीय कश्मीर शैव शास्त्र की जिज्ञासा रखने वाले और आचार्य अभिनव गुप्त की महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त की इस जयंती पर्व के ऊपर इस विचार के लिए प्रस्तुत होने वाले आप सभी लोगों को हृदय से बहुत मंगल कामनाएं, नमस्कार। तो मुझे आशुतोष ने ऐसे रास्ते चलते ही पकड़ लिया कि ये हमारा एक कार्यक्रम है और उसमें आप भी थोड़ा सा उसमें कुछ कहें, तो मैं देखता हूँ कि वास्तव में हम सभी लोग जो विद्या के दीवाने लोग हैं, वो चाहे ब्रह्म विद्या के हों या दूसरे हों, वो एक शब्द जो है शांत झील के अंदर एक पत्थर की तरह फेंक देते हैं
और वो फेंका हुआ पत्थर जो है वो फिर आवर्त के बाद आवर्त, आवर्त के बाद आवर्त मंडल बनाते बनाते पूरी लेक में छा जाता है। तो शब्द का भी यही खेल है कि एक प्रतिभिज्ञा शब्द वो आया और उसने ये वसुगुप्त ने उसका प्रयोग किया, ऐसा कम लगता है, लेकिन आचार्य सोमानंद, सोमानंद की ने जिस ढंग से प्रयोग किया है वो एक विशेष संदर्भ है उसका। मैं समझता हूं कि प्रतिभिज्ञा को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। प्रतिभिज्ञा को हम रिमेम्बरेंस के समानांतर रख लेते हैं। स्मृति का जो दर्शन है वो वैष्णवों ने स्मृति को बड़ा महत्व दिया। ये वैष्णवों का स्मृति दर्शन है, वो हरे नाम एव केवलम कलु नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरि का स्मरण, हरि यदि हरि स्मरण है सरसम मन, हरि का स्मरण करते ही वो स्मृति है। अब स्मृति जो होती है वो किसी अनुभूत के आधार पर होती है, अनुभूत ही कुछ नहीं है तो स्मृति किस चीज से बनेगी? ये प्रश्न पूछता है कि स्मरण उसका होता है जो पहले कहीं अनुभूत हुआ है, जो अनुभूत नहीं है उसमें स्मृति कैसे आए, कैसे काम करेगी? तो वो शास्त्र का आश्रय लेते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है और गुरु के द्वारा ऐसा हमें शब्द दे दिया गया है, एक निर्देश दे दिया गया है, तो वो स्मृति जो है वो हमारी उसमें हमें स्मृति उसी को शब्द का स्मरण करते 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 उसमें एक आनंद रस उमगने लगता है उसके अंदर, और उसी को हम कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, वार्ता करते हैं उसी से। लेकिन वो जीवन भर चलता रहता है स्मरण, लेकिन वो स्मरण जो है वो वैष्णवों में जैसे गोपियों का स्मरण स्मरण नहीं बना, दूसरा किसी का स्मरण नहीं बनता। गोपियों का स्मरण में कृष्ण अनुभूत था, उसको अनुभव किया, देखा था, गोपियों ने कृष्ण को देखा हुआ था, इसलिए वहां पर स्मृति जो थी उसके अंदर एक सरसता, एक तरलता उसमें आती है, उसमें अनुभूति प्रधान आती है, क्योंकि उन्होंने वो अनुभूत था। स्मृति जो है वो अनुभव के ऊपर आश्रित होकर चलती है और अनुभव की ओर वो फिर ले जाती है। अनुभव और स्मृति के अंदर एक संबंध है। तो प्रतिभिज्ञा क्या है? प्रतिभिज्ञा में क्या स्मृति का कोई योगदान है, या स्मृति अगर है तो फिर प्रतिभिज्ञा को एक दर्शन के रूप में स्थापित करना, ये एक अपने आप में बहुत ही नवोन्मेष था। ये नवोन्मेष क्या था कि हम साधारण रूप से देखें, आचार्यों ने जो आचार्य अभिनव ने जो किया, प्रतीपम माभिमुखेन स्मरणम, प्रतिभिज्ञा जो है वो उलट करके पलट करके प्रतिभिज्ञान जो है स्मरण करना, स्मरण नहीं है उसमें, तो वो एक तरह से लौट करके भीतर की ओर, भीतर की ओर लौटने की प्रक्रिया को अभिमुख भाव से होने का, अभिमुख सामने हो जाने का वो प्रतिभिज्ञान कहा है। अभिज्ञान शब्द का प्रयोग खूब हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, कोशों में भी उसका अर्थ जो किया जाता है अभिज्ञान का, अभिज्ञान निपुणे अभिज्ञा, निपुणता के अंदर शास्त्र में ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, समझ का इस प्रयोग होता है। लेकिन प्रति लगाने के पीछे कुछ अभिप्राय है, और वो प्रति लगाने के पीछे की अभिज्ञान के साथ प्रति का लगने से वो उस पक्ष की ओर लौटना है जो पक्ष हमारी अनुभूति में आया कि नहीं आया है। इसका एक अगर बहुत संक्षिप्त सा मैं उदाहरण दूं तो आप देखिए कि कृष्ण और अर्जुन का क्या संबंध था। कृष्ण ने अर्जुन को देखा, साथ ही रहता था, लेकिन उस कृष्ण और अर्जुन के साक्षात्कार के अंदर साथ रहते रहते कृष्ण अर्जुन को पहचानते हैं,
अर्जुन कृष्ण को नहीं पहचानता है, साथ है स्मृति नहीं है, अर्जुन को याद करना नहीं पड़ता है कृष्ण को कि अर्जुन कृष्ण को अर्जुन उसको पार्थ को अर्जुन को वो याद करते हैं, स्मृति नहीं है वहां पर, वहां एक अनुसंधान है, एक टोलन है, अन्वेषण है, गवेषणा है, गवेषणा प्राप्य हृदंतरम यत पतेद हंता परिभुग्न शीर्षा। वो जो गवेषण है, जो अनुसंधान है, अनुसंधान क्या है कि जब आप मेरे यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एक जिस्म के ऊपर कुछ चिपक गया है और वो चिपका हुआ मुझे पीठ के ऊपर, मेरी पीठ के ऊपर कुछ चिपक गया है और मैं उसको टटोल रहा हूं, मुझे ये पता नहीं लग रहा कि वो क्या है जो चिपक गया है। वो चिपका हुआ तो है लेकिन मुझे उसका उसका पता नहीं लग रहा है कि वो क्या है। तो मैं उसको किसी तरह से दूसरे को कहता हूं कि तुम मुझे यार ये मेरी पीठ के ऊपर मुझे दिखाई नहीं, पता नहीं लग रहा है कि क्या है पीछे, उसको जरा उतार के मुझे बता दो कि है क्या, फिर इसका उपचार खोजें। तो वो उसका सामने आना जो है, वो जो तिरोहित क्या है, अर्जुन कहता है सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम तब प्रसाद प्रसादात प्रणयेन वापी। मैं तुझे अर्जुन एकदम कहता है, अर्जुन को कोई स्मृति नहीं होती है। आप देखें इसको जरा, क्योंकि वो बहुत ही संक्षेप में ये बात समझ में आ सकती है कि कृष्ण जो है अर्जुन के साथ हमेशा रहा और वो भी कहता है कि हम साथ सोते रहे, पास सोते रहे, इधर को मैंने कभी तुम्हारी ओर पांव कर दिए, कभी तुम्हारा ऐसे सखेति मत्वा प्रसवम ये दुक्तम, वो यार यार करके तुझे आवाजें देता रहा। मैं आप प्रमादा प्रणयन वापी, कभी गफलत से और कभी प्यार से तुम्हें ओ कृष्ण कृष्ण करता रहा, इधर आ यार, इधर आओ पानी पिए, इधर आओ खाएं, इधर आओ, ऐसे ऐसे पुकारता रहा। क्या किया मैंने, अजानता महिमानम तवेदम, मैं तुम्हारी इस महिमा को नहीं जानता था कि तुम्हारा ये जो विराट स्वरूप है जिसके लिए तुमने मुझे दिव्य चक्षु दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु तुझे तुमने मुझे जो दिया तो मैंने वो तुम्हें, मुझे ये नहीं पता था। इसलिए प्रतिभिज्ञान जो है, प्रतिभिज्ञान में एक प्रकार की एक तलाश है, अन्वेषण है, एक अनुसंधान है, एक गवेषणा है। वो पहले स्मृत है या नहीं है, ननु आत्मन प्रियार्थम, आत्मा के बारे में किसी ने जाना नहीं, किसी ने पता नहीं है, लेकिन ये सबको एक लगता है कि मेरे भीतर मैं हूं। आचार्य शंकर ने इसको भी बड़े संक्षिप्त रूप में एक बात समझा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने आत्म के बारे में ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूं, ना हम अस्मिति न कश्चित, मैं नहीं हूं ऐसा कोई नहीं कहता है, इसके माने क्या है, लेकिन मैं का पता किसी को नहीं लग रहा है। तो मैं जो है आपके भीतर जो है वो क्या कर रहा है, वो आपके भीतर एक मैं है, अहम अस्मि मैं हूं, ना हम अस्मि कोई नहीं कहता है। ये जो अस्मि है वो अंदर वो कुछ वो आपके भीतर, जैसे कहना चाहिए जो भीतर खटक रहा है, कुछ खटकता है भीतर। सभी लोग ये कहते हैं ननु आत्मन प्रियार्थम सर्वस्य प्रियत्वम भवती ही श्रुति बनती। महेश्वरानंद काश्मीर शैव शास्त्र की जो ये उसमें इसके संबित बिलास के लेखक हैं और महार्थ मंजरी के भी वो हैं, महार्थ मंजरी में कहते हैं आत्मन प्रियार्थम, आत्मा के प्रिय के लिए, सभी लोग आत्मा के प्रिय के लिए, ये सारा लोक प्रिय है, बाकी और कोई कारण नहीं। संसार के पदार्थ क्यों प्रिय हैं, इसलिए प्रिय हैं क्योंकि आत्मा को वो प्रिय है, आत्मा के अंदर वो जो
ज्ञानम क्रियाच भूतानाम, ज्ञान है, क्रिया है, जो कुछ भी है, इच्छा है, स्वातंत्र है, जो कुछ भी है, वो आत्म की प्रीति के लिए वो सब है। सर्वस्य प्रियत्वं भणति श्रुति, तो इसलिए वो कहते हैं आत्मा मुक्त अमुक्त वा, आत्मा मुक्त है या अमुक्त है ये मुझे नहीं पता, आत्मा मुक्त है या अमुक्त है, लेकिन कुछ है भीतर जो आपके भीतर एक बेचैनी पैदा कर रहा है, और वो भीतर जो है उसकी स्मृति इसलिए नहीं आपको क्योंकि उसे उसे आपने कभी देखा नहीं है। वो अनुभव में तो आ रहा है, कभी कभी अनुभव में आ रहा है, लेकिन बहुत ही अनुता के योग से, बहुत ही क्षुद्र, बहुत ही सीमित। कभी लगता है कि मेरा मन ही मैं हूं, कभी लगता है कि मेरा शरीर ही मैं हूं। अरे उसके 9 स्कूल गिना दिए वेदांत ने तो, कि 9 स्कूल हैं जो आत्मवादी हैं। तो इसलिए वहां पर एक भीतर आपके कुछ है और उसका आभास कभी कभी आप जरा सा संग करके बैठते हैं, एकाग्र होके बैठते हैं, ध्यानस्थ होके बैठते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ भीतर है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, वो एक अस्पष्ट है। कृष्ण अर्जुन के साथ जितना संघर्षण कर रहे थे, ये ज्ञान दे, वो ज्ञान दे, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ धिक्कार, या धिक्कारते भी हैं उसको, अरे क्यों नपुंसक की तरह आचरण कर रहा हूं, नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तिक्तोत्तिष्ठ परंतप, हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके सीधे खड़े हो जाओ। अर्जुन को कुछ नहीं होता है और बार बार उसे भी कहता है कि देखो अवाच्य वादांश भूम बदिष्यंति तवाहिता, फिर उसको साइकोलॉजिकली खड़ा करने की कोशिश करता है कि लोग जो है तुम्हारे बारे में बड़ी निंदा के वाक्य कहेंगे इसलिए उठो, लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं होता, नहीं उठ पा रहा, भीतर की ग्रंथि नहीं खोल रही है। कृष्ण बार बार उसको आभास कराना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ है, वो भीतर जो है मैं उसको देख रहा हूं, तुम क्यों नहीं देख रहे हो, तुम क्यों उसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे हो कि वो तुम्हारे भीतर क्या। तो वो बड़े युक्ति बड़े तर्कों से सब तरह से गीता के 10 अध्यायों तक युक्ति तर्क उसमें अर्जुन कह भी देता है कि ये मुझे तुम ये व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोह सिर में, ये मिली जुली बातें करके फिलोसफी थ्योरीज दे करके मेरी बुद्धि को तुम परेशान कर रहे हो। तदेकम वद निश्चित, तुम एक सीधी सी बात कहो, ये निश्चय हो यह आप नाम जिससे मैं, लेकिन कृष्ण उसको एक बात अभी कहने की स्थिति में नहीं है, एक बात 18वें अध्याय में जाके कहता है। लेकिन 10वें और 11वें अध्याय में वो कोशिश करता है कि वो अपने उस भीतर का जो उसके अंदर जो एक वो एक कनक सी है, एक कसक सी है, कुछ कसक रहा है भीतर कंटक की तरह, मैं क्या हूं, कौम अस्मी थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो आरोपित कर लेते हैं कि कोहम का उत्तर नीचे से आ रहा है, कोहम ऊपर से आवाज आ रही है सोहम, लेकिन इसको तुम सुनो, अब सुने कैसे। आचार्य उसके लिए विद्याएं भी विद्याएं बता देते हैं, कुंडलिनी योग भी बता देते हैं, दूसरे योग भी बता देते हैं, लेकिन वो कोहम और सोहम मंत्र, सोहम मंत्र का भी जप करता है और फिर उसे जैसे कहा जाता है, लेकिन वो अपने आणव माई और कारम अमल से मुक्त नहीं हो पा रहा है। समस्या यहां खड़ी होती है क्योंकि जो मार्ग दिशा है, दिशा जो है प्रतिविज्ञान करती है कि तुमने तुम्हें उसे टटोलना है, जो तुम्हारे भीतर एकदम जो कसक रहा है, जो भीतर कुछ है, लेकिन उसको तुम है को ठीक से जान नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे भीतर वो है क्या, उसको पहचानना है तुझे। इसलिए अर्जुन वहां कहता है कि मैं तुम्हें, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारे साथ रहता था, मैं अप्रमादात प्रणयन वापी, मैं सब कुछ मुझे पता था, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें ये मुझे नहीं पता था कि कृष्ण के मने ऐसा कृष्ण है। वहां पर वो कहता है कि ये एक साथ दिवि सूर्य सहस्राणी भवे द्युपदुत्थिता, ये कैसा अनुभव मुझे आज हो रहा है,
दिव्य द्योलोक के अंदर एक साथ हजार सूर्य चमके तो ऐसा उससे जो प्रकाश होता है, ऐसा कुछ प्रकाश मेरे भीतर ही कैसे चमक आ गई, ऐसा अनुभव आज मुझे कैसे हो गया उसमें। तो ये उसमें एक ऐसा क्षण आता है जब धीरे धीरे अर्जुन कृष्ण के साथ ही रहता है, लेकिन कृष्ण के स्वरूप को वो जानना भी नहीं है ये, क्योंकि जानना जो है वो प्रमाण प्रमेय की त्रिपुटी के ऊपर आश्रित है। ये स्मरण भी नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं है, ये प्रत्यभिज्ञान है, ये पहचानना है। प्रति अभिज्ञानम, भीतर की ओर दृष्टि को जरा लौटाना है। भीतर की ओर लौटाने कैसे लौटाना है कि वो जो भीतर आपके कुछ दर्द उठ रहा है, जो कभी कभी कसक उठती है, उस कसक को देखना, टटोलना है। फिर टटोलेंगे, आपने देखा ये यहाँ इस मसल में पेन हो रही है, नहीं 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 इस मसल में पेन नहीं हो रही है, अरे उस ढंग से हो रही है, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। अब जब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक उसका चाहे आप उसमें एक्सरे करवा रहे हैं, चाहे उसके लिए MRI करा रहे हैं, जो कुछ भी करा रहे हैं, टटोल रहे हैं उसको, वो है कुछ आपके भीतर, तो वो उसको क्या करते हैं, नाड़ी से पहचान लेते हैं। इसलिए प्रतिभि ज्ञान का जो मुख्य अभिप्राय रहा काश्मीर शैविज्म का, जो मैं समझता हूं, वो बड़ा अद्भुत था एक प्रयोग, कि तुम्हारे भीतर जो है, उस भीतर तुम्हारे अंदर वो तुम्हें चैलेंज भी करता रहता है, लेकिन तुम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हो, उसकी तरफ लौट चलो, उधर की तरफ लौटो, लौटने में वो तुम्हें मिलेगा, लौटने में तुम्हें स्पष्टता हो जाएगी कि वो क्या है तुम्हारे भीतर। तो ये उसका, और इसी पहचान को वो सौंदर्य शास्त्र के अंदर भी वो कहते हैं कि नहीं, ये सारे का सारा मुझे बता देना भाई, अगर समय का जहाँ आपकी समस्या हो तो मैं तो उसमें, तो उसके अंदर जी 5-7 मिनट और, तो वो उसके अंदर जो बात करते हैं सौंदर्य के प्रति, जो बात करते हैं, मैं पहले सौंदर्य का आमतौर पर हम लोग एक शब्द लगाते थे, सौंदर्य किसे कहते हैं, बड़े लोग उसमें सौंदर्य की व्याख्या करते हैं, हमें भी एक परिभाषा मिली कि सौंदर्य की, अंग प्रत्यंग काना यत सन्निवेश हो यथोचितम संश्लिष्ट संधि बंधम यत सौंदर्यम इति कथित। सौंदर्य क्या है कि ये जो एक संश्लिष्ट संधिबंध जिसके अंदर है, एक बड़ा अंग प्रत्यंग का नाम यद सन्निवेश यथोचितम, अंग प्रत्यंगों का जब शरीर के अंदर बड़ा ही एक बैलेंस्ड संतुलित, अब उसके लिए काव्य शास्त्री शब्द प्रयोग कर लें, जो भी करना है, वक्रोक्ति का प्रयोग कर लें, औचित्य का कर लें, रीति जो कि यथोचित, अंग प्रत्यंगों का जो सन्निवेश है यथोचित, और जहां सौंदर्य संधिबंधम तक, और यहां सुंदरता जो है संधिबंध, जॉइंट्स जो है वो भी बिल्कुल एक जैसे जैसा चाहिए। ये वेस्ट का जो मॉडल फिजिकल आजकल वो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है कि इतना ये इंच होना चाहिए जिसमें, इतना वहां होना चाहिए, इतना वहां होना चाहिए, ये उस तरह की परिभाषा तंत्र के अंदर शास्त्र लोग भी देते हैं, सन्निवेश यथोचितम। लेकिन काश्मीर शैविज्म ने इस परिभाषा को लेकर के भी अग्रसरता को प्राप्त किया। वो अग्रसरता क्या थी, उन्होंने शक्ति को विमर्श रूपिणी बना करके, प्रतिभा रूपिणी बना करके, प्रतिभानम के अंदर ला करके उन्होंने जो शब्द दिया वो दिया प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकविनाम। ये प्रतीयमानता है जो सौंदर्य लाता है। ब्यूटी को आप हाथ से नहीं पकड़ सकते हो, ऐसे नहीं पकड़ सकते हो, उसे ऐसे नहीं कर सकते हो, कैप्चर नहीं कर सकते हो, वो एक प्रतीयमानता है, एक बहुत ही काले कलूटे एक भयंकर आपको जो लोगों को दिखाई देता है उसकी आंखों के अंदर भी सौंदर्य का उल्लास आप देख सकते हो, आप उस उल्लास को देख सकते हो, वो आनंद जो है, वो जो सुख है, आनंद है, जो कुछ काव्य का रस है, कलाओं का रस है,
वो प्रतीयमान होता है, वाच्य नहीं होता है। वो संश्लेष संधिबंधम तथा सौंदर्य मित उच्चते वाला नहीं है जो ब्यूटी कॉन्ट्रास्ट के अंदर होता है, वो नहीं है। वो संश्लिष्ट संधिबंधों वाला नहीं है, वो प्रतीयमानता है। एक बहुत ही स्थूल काय व्यक्ति, लेकिन वो जब बात करता है तो उसकी बात के अंदर सारे लोग सम्मोहन महसूस करने लगते हैं। क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। प्रतीयमानम, प्रतीयमानता जो है, ये सिद्धांत कश्मीर शैविज्म से ध्वन्यालोक में उतर के आया। इसलिए ध्वन्यालोक ग्रंथ के ऊपर ही आचार्य अभिनव गुप्त ने लोचन नाम की टीका लिखी, और लोचन नाम की टीका ने ध्वन्यालोक के आनंद वर्धन का जो ध्वन्यालोक था उसकी उसको भी बहुत ज्यादा समृद्ध कर दिया। उसको लोचन के माध्यम से जब आदमी ध्वन्यालोक को पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि ध्वन्यालोक एक अद्भुत सौंदर्य के प्रतिमान, सौंदर्य की एक दृष्टि देता है। वो प्रतीयमानता क्या चीज है, सौंदर्य जो है, अब प्रतीयमानता को आप कश्मीर शैविज्म में कहेंगे कि कहाँ है वहां, तो प्रतीयमानता वहां पर है आभासवाद के अंदर। प्रतीयमान जो आभास की बात की है, प्रतिबिंब की बात की है, कश्मीर शैविज्म जो है उसमें आभासवाद और प्रतिबिंबवाद। आचार्य जो है स्वातंत्र, स्वातंत्र के बगैर कला में सौंदर्य कैसे आएगा। कलाकार स्वतंत्र है या परतंत्र है। जिस कलाकार का जो पारतंत्र है वो क्या है कि लोगों की स्तुतियां लिख करके पैसे कमाने लग जाता है। मृच्छक निगम के अंदर वो कहता है संवाहक कि यार ये कलेति मत्वा शिक्षिता, मैंने ये जो संवाहन कला है, ये जो आपकी जो मुठी चापी है, ये जो कला सीखी थी शरीर की, ये कलेति मत्वा शिक्षिता, मैंने इसे कला, कला के माने क्या है, लिए थे परमानंदे, ये आत्मा सा परा कला, जी कश्मीर शैविज्म कहता है, जो परमानंद के अंदर ले जाती है। मैंने इस शरीर की नर्व नाड़ियों को कैसे दबा करके कैसे कैसे आनंद पैदा किया जा सकता है, ये मैंने कला समझ के सीखा था, लेकिन आजीविका अनुसमृद्धता, लेकिन अब तो ये आजीविका बन गई। ये रोजी रोटी तुम्हारे यहाँ पर मालिश करूंगा तो इतने कॉइन मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, कलेति शिक्षिता। इसको वो संवाहक जो है वसंत सेना के साथ कहता है, ग्लानी के साथ कहता है कि जैसे कि आजीविका बन गई कला, सौंदर्य का जो प्रतिमान, कला में स्वातंत्र अपेक्षित है। कलाकार अगर स्वतंत्र नहीं है तो स्वातंत्र के बिना उसकी कला का मूल्य नहीं बनेगा। इसलिए शिव जो है उनमें स्वातंत्र है, कलाकार में भी स्वातंत्र, क्योंकि कला का कंचुक शिव ने स्वयं अपनी इच्छा से ओढ़ा। उसे पता था कि अगर कला का कंचुक नहीं ओढ़ूंगा तो मैं एक बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक पत्थर जैसे चमकदार शीशे की तरह बनकर रह जाऊंगा। मेरे भीतर रंग नवरस रच राम निर्मिति महादी भारती कबीर जयती, ये नवरसों की बुहार कैसे उठेगी, नवरंग कैसे आएंगे, ये सब कैसे आएंगे, जीवन के अंदर सौंदर्य कैसे आएगा, चमत्कार कैसे आएगा, उज्ज्वलता कैसे आएगी, निखार कैसे आएगा। अस्मिन् लोके यत् किंचित् शुचि मेध्यम उज्ज्वलम तत् सर्वम् श्रृंगारेण उपमीयते। पार्वती श्रृंगार करती हैं, तो श्रृंगार का मतलब ये नहीं कि वो जो आम आदमी समझता है श्रृंगार, श्रृंगार में प्रतीयमानता है, उघड़ापन नहीं है, फुगड़पन नहीं है। श्रृंगार जो है वो क्या है, श्रृंगम भी मनोतोद्भेद, वो एक उद्भेद है, प्रतीयमानता है, जो प्रतीयमानता है जो दृष्टा के मन का सम्मोहन करती है, इसलिए उसमें स्वातंत्र नंबर है। लेकिन ये स्वातंत्र होने के साथ साथ कश्मीर शैव शास्त्र के अंदर आता कि आभास जो है, आभासनम अनतिरिक्त होते हुए भी अतिरिक्त की तरह भाषण होता है, ये विलक्षण नहीं है। अनतिरिक्तम अभी है बिल्कुल ऐसा, लेकिन ऐसा होते हुए भी 10 गुना ज्यादा। इसको अगर आपने देखना हो तो इससे देख लीजिए, कोई सौभाग्य सुवासिनी जिसके
एक हमारी प्रिय स्त्री के लिए शब्द का प्रयोग होता था, सुहागिनी स्त्रियों के लिए सुवासिनी। सुवासिनी वो कहता है कि उसके लिए ललिता शब्द का प्रयोग कब होता है, माथे पर एक बिंदी लगाने से एक उल्लास आभास मानता क्या हो गई, एक बिंदु लगाने से माथे पर एक टिक्की लगाने से वो प्रतीयमानता उसके अंदर आ गई, उसके अंदर वो सारे का सारा उसका सौभाग्य होना, उसका सौभाग्य के साथ जुड़ा हुआ उसकी सब कुछ समृद्धि, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। इसीलिए आभास जो है उसको अभिनव गुप्त मिथ्या कहने के पक्ष में नहीं है। लोग आभास का अर्थ लेते हैं मिथ्या, आभास मिथ्या नहीं, उसका सौंदर्य है। शिव के सौंदर्य का नाम ही आभास है, अनतिरिक्त तो भी अतिरिक्त भाति, अनतिरिक्त होते हुए भी अतिरिक्त की तरह भान करता। इसलिए ये जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य आभासात्मक है, स्वातंत्र के साथ आभास। ये बड़ा सोच समझ के काश्मीर शैव शास्त्र ने, क्योंकि वो ना तो किसी दार्शनिक बनने का उसको, वो दर्शन और कवि के बीच में खड़ा रहने वाला कौन था, ऋषि। वो उस ऋषि प्रज्ञा को छूना चाहता था, उस ऋषि प्रज्ञा के आधार पर जो जिसके एक ओर दर्शन है और एक ओर उसमें आलोचक है, एक ओर प्रख्या है दूसरी तरफ उपाख्या है, एक ओर कवि है दूसरी तरफ सहृदय है, दोनों के बीच में वो एक अनुसंधान की स्थिति पैदा कर देता है काश्मीरी शैविज्म। इसलिए स्वातंत्र और आभास और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अगर आलोचन करेंगे विस्तार ज्यादा हो जाएगा, उसमें सिर्फ इतनी बात ही कि प्रतिबिंब को वो कहते हैं कि वो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है, शायद कश्मीर जो पंडित लोग हैं उन लोगों में से इस आचार्य अभिनव गुप्त के तंत्रालोक इस पद्य में शायद वो परिमा शब्द का प्रयोग किया है, न देशो नो रूपम न च समय योगो न परिमा। तो शायद ये परिमू साहब का इस परिमा से कोई संबंध रहा हो काश्मीर के अंदर जी, उन्होंने अपने साथ परिमू परिमू शब्द जोड़ लिया। प्रतिबिंब जो है वो कहता क्या है, अलग प्रतीत होता है, भासमान है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्या न देशो, वो प्रतिबिंब का ना अपना कोई अलग देश है, दर्पण से बाहर उसकी कोई स्थिति नहीं है, कहां पर है, लेकिन प्रतीत हो रहा है अलग से, खूबसूरती है। न देशो न स्पेस, अपना उसका प्रतिबिंब की ना अपना स्पेस है ना अपना रूप है, न तो समय योगो ना टाइम बाउंड है, क्योंकि टाइम बाउंड हो तो उससे टाइम के अंदर ये होता है कि पहले पूर्ववर्ती हो फिर उत्तरवर्ती हो, पूर्वा पर का भेद होना चाहिए तब बनेगा समय। जहां ना पूर्व है ना पश्चिम, वो शीशे, जहां शीशा है शीशे के साथ है, शीशे के बिना कुछ नहीं है, तो वहां न परिमा और परिमाण भी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ, ज्यादा उसकी जो पूरी व्याख्या नहीं होती इस समय करने की अपेक्षा, क्योंकि आप सब लोग थक गए होंगे, तो अभिप्राय ये है कि उसमें कि जो जो कश्मीर शैविज्म ने जो प्रतिबिंबवाद को दर्शन लिया, ये वहाँ की भूमि का बहुत बड़ा योगदान था। मैं वहाँ कश्मीरी पंडितों को बार बार कहता हूँ कि तुम्हारी भूमि ही सारा तुम्हारा दर्शन बनाती है, ये जो लेक के अंदर वहाँ प्रतिबिंब पड़ते हैं तो आप कभी नौका विहार करते हुए आपको प्रत्यक्ष जो दृष्टि वाला है उसको दिखाई देने लगता है कि कश्मीर शैविज्म सारा इस डल लेक के अंदर घुसा हुआ है। ये यहीं से सारी प्रेरणा के स्रोत मिलते हैं, ये सारे जितने नाग जिन्होंने झरने हैं, अनंत नाग, संत नाग, ये नाग वो नाग, ये सारे नाग क्या है, सौंदर्य के प्रतिमान है वहां के, शिव के ऊपर, उस शिव के शिखर के ऊपर से उतरते हुए धरने बिल्कुल सर्पों की तरह ऊपर से उतर रहे हैं जैसे नाग, और वो सब के सब वहां पर नाग इसलिए हैं कि वो नीचे से पानी ऊपर को उछलता है, उनकी जो उच्छलता है, काश्मीर शैविज्म ने बार बार ये कहा है कि आनंदोच्छल, आनंद से उच्छलता आती है,
को ये आनंद और सौंदर्य मैं समझता हूँ कि कश्मीर शैविज्म ने इसी कारण से ये प्रतीयमानता के ऊपर, उन्होंने कहा कि प्रतीयमानता को तुम जरा गवेषणा प्राप्य हृदयंतरम ज्ञान, गवेषणा से तुम्हारे हृदय के अंदर वो चीज जो डूबी हुई है उसको जरा कुंडी डाल के निकाल तो लो, एक बार खींच तो लो ऊपर को। जी। फिर अभिनव कहते हैं कहते हैं कि हम इसको बाइंड अप कर रहा हूं, प्रदान करें। बाइंड अप कर रहा हूं। अभिनव गुप्त जब अपने उसमें कहता है कि पाषाणान प्रतिभक्तु कह, अरे भले लोगों पत्थरों को कोई संबोधन नहीं करता है, यूजम ब्रुवे जंगमा युष्मान ब्रुवे जंगमा, हे चर प्राणियों मैं तुमको कहता हूं, ये पत्थरों को नहीं कहता हूं तुम्हें कहता हूं। क्या कहता है अभिनव? वो कहता है क्षयोत्थाय मनर्थमर्थ सबने कोयम प्रवेश क्रमा, ये सेज से उठने के बाद से लेकर के रात तक ये शय्योत्थाय शय्या से उठ करके कोयम, और अगर उसमें कहते हैं कोयम प्रवेश क्रम, और अगर परम शिव संबित के अंदर काली यमेकम लवम, एक मोमेंट के लिए उस वो जो तुम्हारा भीतर है तो किंकिम वर्णनिका विराभिरवित सत्यम स्वयं ज्ञास्यत संबित ब्रह्मणि परशिवे विशत चेत, वो संबित रूप शिव में अगर एक सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं मैं कहता हाफ सेकंड के लिए एक बार टच में आ जाओ तो मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरी भी ये जो लिखी हुई किताबें हैं इनमें भी तुम्हें किंकिम वर्णनिका विराभिरवित, इनमें भी तुझे क्या कुछ नहीं मिलने का है, सत्यम स्वयं ज्ञास्यत तुम स्वयं प्रतिभिज्ञा के दृष्टा तुम खुद बन जाओगे, तुम अपने को स्वयं पहचान लोगे, ये तुम्हारा प्रतिभिज्ञान तुम्हें मुक्त कर देगा। ओम तत्सत। धन्यवाद शब्द तो मुझे लगता है पर्याप्त किसी भी रूप में नहीं हो सकता, और विशेष रूप से इस संदर्भ में कि जो आज गीता की व्याख्या प्रतिभिज्ञा के संदर्भ में देखने और सुनने को मिली, इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया था, तो उसके लिए तो हम निश्चित रूप से आपके आभारी हैं कि इस गीता को जिसके ऊपर अभिनव गुप्त की वृत्ति है, अर्थ संग्रह लिखा है, हाँ, तो उसको एक बार इस दृष्टि से हम देखें, और मुझे लगता है कि उसकी एक नई और सार्थक व्याख्या सफल होगी। तो आपने वो गाइडलाइंस हमें दी हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, निश्चित रूप से अगली बार गीता को इसी दृष्टि से, प्रतिभिज्ञा की दृष्टि से हम पहचानने का प्रयास करें, और साथ ही आपने जो सौंदर्य के आयाम बताए हैं प्रतिभासिता और बाकी सारे शब्दों के साथ प्रतिभा के साथ जोड़ते हुए, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव था। तो अब समय है ओपन हाउस डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, खुला सत्र है। आप में से जिसके भी जो प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई टिप्पणी है, कोई असहमति है, वो आप लोग अपने निसंकोच भाव से पूछ सकते हैं, और फिर इसका जो है वो समापन जो है हम करेंगे। तो एक प्रश्न हमारे पास बीच में आया हुआ था, वो मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, विनोद कुमार जी का प्रश्न था, आर द सम टेक्निक्स टू लर्न एंड देयर आर नीड टू बी स्प्रेड एंड टॉक्ड अबाउट, कोई टेक्निक्स हैं कि नहीं है? मुझे लगता है ललित जी से ये प्रश्न था, उनके बाद था, और बीना जी मुझे लगता है पहले वो अपनी बात कह लें, फिर उसके बाद आप उत्तर दीजिए। प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं मेरा एक प्रश्न मतलब शिवानी जी के लेक्चर के ऊपर आधारित है, चाहे जवाब प्रोफेसर आंगिरस जी दे दें, कि मतलब मुझे थोड़ी सी तकलीफ इस बात से हो जाती है कि अभिनव गुप्त को फिलोसोफर नहीं माना जाता और उनकी फिलोसफी को फिलोसफी नहीं माना जाता, मतलब हम उसको पाश्चात्य खांचे में रखकर शायद टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा नीति मीमांसा नहीं है या क्या है, जबकि हमारे हिसाब से भारतीय दर्शन के हिसाब से अगर वो सृष्टि का मूल
और उससे सृष्टि की व्याख्या एक समुचित तरीके से कर पाते हैं और सृष्टि का लय भी वापस अच्छे से दिखा पाते हैं पूरे तार्किक तरीके से, तो उसे एक फिलॉसफी कहलाने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ, मतलब मैं समझती हूँ। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, वास्तव में प्रोफेसर वीना जी, ये आप देखें कि दर्शन को परंपरा से आप देखें तो 14वीं 15वीं शताब्दी तक इसको प्रतिविज्ञा को दर्शन शब्द संज्ञा दी ही नहीं गई, किसी ने भी नहीं दी। इवन कश्मीर के जो शैव शास्त्री लोग थे वो भी तर्क शास्त्र करके ही उसको कहते रहे हैं, वो प्रतिविज्ञा दर्शन किसी ने कहा ही नहीं। और फिर ये सबसे पहले आचार्य शंकर की जो परंपरा के थे, उन्होंने सर्वदर्शन संग्रह के अंदर विद्यारण्य जी ने वो उसके अंदर पहली बार प्रतिविज्ञा दर्शन नाम दिया उन्होंने। तो वो उसमें ये है कि दर्शन जो है, जो पाश्चात्य दर्शन है जिसके अंदर एक नॉलेज को, नॉलेज एज ए पावर, नॉलेज को एक, इसलिए वो कि नॉलेज एक पावर है और पावर से ही लोग कैप्चर होते हैं, पावर से ही दुनिया को काबू किया जा सकता है नॉलेज के पीछे, इसलिए साइंस सारी दौड़ पड़ी, सारी फिलॉसफी कन्वर्ट हो गई विज्ञान के अंदर। वहां पर जो हमारा जो वहां का फिलॉसफी, लव फॉर नॉलेज जिसे कहते हैं, फिलॉस एंड सोफिया इज ए लव फॉर नॉलेज, नॉलेज का ये है कि आप उसमें कीजिए काम और उसमें अपना जरा थोड़ा अलग होने के लिए, आप थोड़ा विचार करने के लिए पढ़िए, दूर तक जाइए, सीखिए, एक इस प्रकार का दर्शन के अंदर जो बात आती है दृष्टिरेव दर्शनम, आपकी जो उपनिषदिक परंपरा वो कहती है आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। अब पश्चिम का जो फिलोसोफर है वो निधिध्यासितव्य में कहाँ घुसेगा, कैसे जाएगा बेचारा, वो तो उसके लिए एक थोड़ी दूर जाकर के ही वो उसे कहेगा कि इसका ये रियलिस्टिक, इसके मुझे दो ठोस, इसका मुझे ये बनाओ कि इस सारे सोचने से बना क्या, कोई मेरे हाथ मटेरियल आया, कुछ बात बनी कि नहीं बनी। तो हम कहते नहीं, हम विश्वधर्मा हो गए, विश्वतश्चक्षुर तो विश्वतोमुख, हम तो विश्वतोमुख होने के लिए दर्शन के लिए गए, दर्शन में गए थे। गुरु ने हमें ये तो नहीं कहा कि तुम बहुत धनवान बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, तुम वो बन जाओगे, उन्होंने क्या कह दिया उसमें, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, यान्य अस्माकं सुचरितानी तानी त्वया सेवितव्यानी, ये कॉन्वोकेशन है हमारी कि बेटा जा रहे हो तुम, यानी जो हमारी सुचरित तुम्हें लगे उनको ले लेना और नहीं जो है वो उनको छोड़ देना। उसमें तत्रापि अथ तेज यदि कर्म विचिकित्सा स्यात्, अब तुम्हें कहीं बाहर चले गए, हमारे को तो छोड़ के आप चले गए तुम, तो वहां अपने जहां काम कर रहे हो तुम्हें कर्मों में भी चिकित्सा हो तो क्या करना कि वहां आसपास गांव में शहर में जहां भी ये तत्व धर्म कामा अलूक्षा, धर्म को समझने वाले लेकिन अलूक्ष वृत्ति के लोग हों, जो तरल वृत्ति के लोग हों, जो सेंसिबल हों, सेंसिटिव हों, वो सेंसिटिविटी के लोगों को कंसल्ट कर लेना, वहां पूछ लेना। हमारे दर्शन में वो नहीं है कि मुझे वेदांत पढ़ के क्या मिला, कुछ नहीं मिला मुझे वेदांत पढ़ने से, मैंने कहा सब कुछ मिल गया, लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ मिला तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सब कुछ मिल गया। ब्रह्म ही वह, वो कहता ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवती। तो इसलिए हम फिलोसफी शब्द से मुझे भी दरअसल में संकोच होता है, मैंने कल शायद ये चर्चा की थी कि ये अभिनव गुप्त को, अभिनव गुप्त के गद्य को भी आप देखें तो कविता है उसमें, उसका भाष्य जो है आचार्य शंकर के भाष्य को अगर आप कभी हृदय से पढ़ें उसमें भी आपको लगेगा। तो ये लोग ऋषि थे, ऋषिस्तु किल दर्शनात्, ऋषि जो है वो दर्शन उसके एक साइड पर है,
और सोमवार जो है मुझे लगता है प्रोफेसर बीना जी का जो प्रश्न था थोड़ा भिन्न था कि उसको एक दार्शनिक के रूप में मान्यता क्यों नहीं ये फिलोसफर्स जो है वो प्रदान करते, कुछ ऐसा था उनकी बात थी। इसलिए नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बुद्धिज्म के प्रभाव के कारण एक भारतीय दर्शनों भी न्याय मीमांसा और अद्वैत वेदांत का उसके ऊपर दबाव आया, क्योंकि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी जो वैराग्य का दर्शन पूरा के पूरा आया था वसुगुप्त, मैं उस शंकरोपल के ऊपर पिछली बार जाके आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ वहां पर जहां शिव सूत्र लिखे गए थे। अब उसमें बताओ नागार्जुन का नागबोधि लिखा है उसने आचार्य, उससे वसुगुप्त जो है वो तर्क में 3 बार 4 बार उसमें पराजित होके आ गए। फिर उन्होंने शिव की उपासना की, शिवोपासना में स्वप्न में आया कि उनके साथ बात करने से पहले तुम ये कल अपना शिव सूत्र जो है उस शिला के नीचे लिखे हुए हैं तुम पलटोगे मिल जाएंगे शिव सूत्र, उसको मिल गए। तो बुद्धिज्म के साथ जो संघर्ष था कश्मीर में वो शैवों का प्रथम संघर्ष उसके अंदर था, आत्मवाद की स्थापना, अनात्मवाद को निकालना वहां से, अनात्मवाद के कारण जो एक क्योस आता है, अनात्मवाद के कारण जो एक अनित्यता का दर्शन खड़ा होता है, अनित्यता का दर्शन खड़ा होने से तो लड़ाई जो थी नैयायिक बौद्धों से लड़ रहे थे, मीमांसक लड़ रहे थे, वेदांति भी लड़ने लगे। ये एक धारा ऐसी थी कि आम आदमी जो है उसका श्रद्धा और विश्वास को लेकर के सौंदर्य की भी उपेक्षा नहीं हो सकती है जी। अभी इसलिए सिवाय सर्वदर्शन संग्रहकार के अतिरिक्त बाकी लोगों ने भी प्रतिभिज्ञा को दर्शन नहीं माना, त्रिक शास्त्र का ही एक स्कूल मान लिया उन्होंने। चलिए इस विषय थोड़ा सा और ये फिर सोचो कि तंत्र और आगम के अंदर जो परंपरा आई थी उसने उसको दर्शन से अलग रखा गया है क्योंकि वो साधना में रहस्यात्मक साधनाएं बनती थी जी, जी। इसलिए उनको दर्शन में उनका जैसे स्कूल में पढ़ाते ना कि पहले तर्क संग्रह फिर न्याय सिद्धांत मुक्तावली फिर न्याय दर्शन, कश्मीर शैविज्म को ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है चलिए, लेकिन फिर भी थोड़े इस पर चर्चा अपेक्षित और होगी, स्पष्टीकरण और होगा। यदि किसी और का कोई प्रश्न है कोई टिप्पणी है तो मैं चाहूंगा। हाँ जी ललित जी। नहीं इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं अपना कुछ ऐड करना चाहूंगा। ये सवाल और जवाब बहुत अच्छा रहा, अंगिरस जी ने बहुत सही बातें बताई, पर उसमें 2-3 बातें और मैं दूसरे एंगल से कहूंगा। ये पुस्तक अध्ययन से रिजल्ट नहीं है, ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग से आया। अभिनव गुप्त का जो भी काम हुआ बहुत ही बृहद कार्य हुआ और जिससे कश्मीर में तो धूम मची, पूरे देश में उनकी स्वीकृति हुई, धूम मची, लेकिन प्रॉब्लम वैदिक स्कूल वालों को रहा जिनका हीरो शंकराचार्य बन गए थे और वेदांत दर्शन अपनी जगह बना रहा था और धीरे धीरे वेदांत ने वायलेंस का सहारा लेते हुए दूसरे स्कूल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तांत्रिक स्कूल हमेशा वैदिक स्कूल के कन्फ्रंटेशन में रहा है बिकॉज तंत्र कास्टिज्म को नहीं मानता, पहला फंडामेंटल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वैदिक स्कूल में कास्टिज्म पूरी तरह से प्रिविलेंट था जो अभी अब जाके 100-150 साल पहले हिला है, लेकिन तंत्र में कास्टिज्म की कोई वैल्यू नहीं है, सब शिव की संतान है। दूसरा अभिनव गुप्त एस्थेटिक से जुड़े हैं, ड्रामाटर्जी से ड्रामा से जुड़े हैं, संस्कृत ड्रामा से जुड़े हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय बोलें या संघ बोलें, उसमें कहते हैं 10,000 से भी ऊपर स्टूडेंट्स थे जी, वो जी। अपने दम पे या डोनेशन के दम पे चंदा लेके काम करते थे ऐसा। अच्छा, दूसरा उनके ड्रामा में लोकल शूद्र जाति भी पार्टिसिपेट करती है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर किसी ड्रामा में शूद्र जाति पार्टिसिपेट करती है जो नाट्यशास्त्र अलाउ करता है, लेकिन जो तथाकथित कट्टर वैदिक स्कूल के लोग हैं वो उनको स्वीकार नहीं करते, चूंकि अभिनव गुप्त इनके साथ जुड़े हुए थे इसलिए इनको स्ट्रेटजिकली मेनस्ट्रीम फिलॉसफी में एक्सेप्टेंस नहीं दी गई। नहीं आप देखिए थोड़ा सा उसमें देखिए उसमें थोड़ा अपवाद हो जाएगा
क्योंकि शास्त्र की चर्चा है ना, जी उसका होना चाहिए। नहीं, इसमें अविनाश जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा इस विषय में बताऊं कि आचार्य शंकर का जो अद्वैत वेदांत था, अद्वैतवाद जो था, वो कोई ऐसा नहीं था कि शंकराचार्य के जितने स्तोत्र आप देखेंगे उन स्तोत्रों के अंदर अगर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र शंकराचार्य का लिखा हुआ है तो आपका सारा सबसे पहले जब आपको पता नहीं था तो वो दो जगह लिखता है प्रत्यभिज्ञायते। नहीं, लिखने में कोई दोष नहीं है, लिखने में दोष नहीं है, उस लिखने में कहां कोई दोष है, वो है? तो जब पॉलिटिकल सपोर्ट किसी स्कूल को मिलता है तब वेदांत पर आप होते हैं। नहीं, वेदांत पर आप जो आरोप लगा रहे हैं ना कि वेदांत ने उसमें ऐसा किया, वो ये था कि आपका जो जो वैदिक उससे समुदाय से आ रहे थे लोग, उसके अंदर भी नाट्य शास्त्र का कहाँ निर्माण हुआ, वो कश्मीर में नहीं हुआ। नाट्य शास्त्र, भरत का नाट्य शास्त्र जो था उसके अंदर, और उसके बाद जो लोगों ने लिखा ये सार्ववारणिकम नाट्य वेद जो है सार्ववारणिक, न तज्ञानम न सा विद्या न तत्शिल्पम न सा कला जायते जन्न विद्यांगम अहो, वो उसके अंदर सार्ववारणिकम वेदम नाट्य वेद को सार्ववारणिक माना उन्होंने। नहीं, शास्त्रों में कोई दिक्कत नहीं है, लिखित शब्दों में पुस्तकों में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकली जो हुआ है इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। ललित जी, बौद्ध, जैसे बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन भारत से मार मार के ही तो भगाया गया है, इसका तो उल्लेख मिलता है, तो वो कैसे हुआ? चार्वाक दर्शन मार मार के ही खत्म किया गया वैदिक पंडितों द्वारा, इतना ही मिलता है, लेकिन वो काल जब 100-150 साल चार्वाक की धूम मची थी तो वो कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, ये तो मानेंगे उसका इतिहास नहीं है ना, वहां आपको कल्पना से ही काम लेना पड़ेगा। जैसे इस्लाम ने, मान लीजिए इस्लाम ने फैलाया तो मार मार की तो फैलाया, वायलेंस तो रहा है ना, मार तो रही है, वो कहाँ, वो तो रिकॉर्डेड है, वो तो आज भी हम देख पा रहे हैं। ललित, तो ऐसे ही हमारे देश में ये सब पहले हुआ। नहीं, वेदांत वेदांत में पहली बात तो जाति की परिकल्पना है ही नहीं, वहाँ वर्ण की परिकल्पना है, वर्ण वर्ण ही, हाँ वर्ण ही, और वर्ण जो है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते, वो कर्म के तो, आधार पर वर्ण की प्राप्ति हुई है। ये तो थ्योरी में है ना, स्पष्ट कहता है चातुर्वर्ण में आश्रष्टं गुणकर्मा विभाग्य, करेक्ट, ये थ्योरी में था, ये थ्योरी में था, ये प्रैक्टिस में नहीं था। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यं ब्रह्मण कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं, ये संस्कृत सूत्र है, और उपनिषदों में ऐसा उल्लेख भी आया है कि उनका पुत्र यज्ञशाला में यज्ञ करा रहा है पुरोहित होकर के, और उनके पिता 2 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा में, तो इस कारण ही उनके ऊपर यह आरोप लगाना कि उन्होंने इन सारी चीजों को अपनी हिंसा के द्वारा ये किया है, त्रस्त करके समाप्त किया है, यह सर्वथा अनुचित है। नहीं, गलत ट्रैक पे चला, हमने उनका आरोप नहीं लगाया, मैं बता देता हूँ, एक है शास्त्र, ये शंकराचार्य की जो प्रमुख लड़ाई है वो बौद्धों के साथ थी, वह एक कालखंड था जो संपूर्ण भारत के भूभाग में बौद्ध जो है आच्छादित हो गए थे, इसका कारण भी यही था कि जितने उनके आचार्य थे सब ब्राह्मण से ही कन्वर्ट हुए थे, और उनकी तर्कना शक्ति इतनी समृद्ध हो चुकी थी कि उन्होंने सारे हमारे भारतीय वेदांती चाहे उपनिषद की वेद की परंपरा को उन्होंने पराजित करके संपूर्ण दर्शन संप्रदाय और धर्म संप्रदायों में स्थापना की। शंकराचार्य ने उन सारे आचार्यों को बौद्धिक क्षमता से पराजित करके उन्हें कन्वर्ट किया है, वहां हिंसा का सहारा नहीं लिया गया है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को मानेंगे, बौद्धिक क्षमता से भी परास्त किया है, हिंसा से भी किया है, क्षमता से ही पराजित किया, और शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। शंकर बड़े सूक्ष्म बुद्धि के विद्यार्थी रहे हैं, 32 साल में उनका निधन हो गया, पर कुछ तो नहीं वो करते क्या थे, देखिए सुनिए, जो बुद्धों के जो तर्क थे उन्हीं तर्कों का अविनाशी पराजित कर देते थे। क्या नाम है वो, क्या है, देखिए कार्ल मार्क्स पर कोई उंगली उठाता है क्या? कार्ल मार्क्स की कोई गलत है आज के कॉन्टेक्स्ट में, पिछले 150 साल में जितने हमारे परिप्रेक्ष्य से सर्वथा अनुचित है,
कोई भी लेकिन काल मार्क्स और कोई भी देश पार्टी ने तो बहुत कुछ किया ना, अपनी संस्कृति के अनुरूप ही वह दर्शन प्रस्फुटित होता है। अगर एक एक करके हम हमारा दर्शन प्रस्फुटित हुआ है वह हमारी सभ्यता संस्कृति और नॉट ओनली दैट कल्चर ही नहीं बल्कि हमारे प्राकृतिक जो ये स्थितियां थी उसका उसको समावेशित करते हुए हमारा दर्शन उत्पन्न होता है। ऐसे है मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कार्ल मार्क्स आज के टाइम का बड़ा फिलोसफर है ना, उसने तो नहीं कुछ गलत कहा, उसने यूरोप में जो देखा वो लिखा, इकोनॉमिक्स में जो देखा लिखा, लेकिन हो सकता है लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। अरे अविनाश जी मैं कुछ और कह रहा हूँ, किताब है रविंद्रनाथ टैगोर की, अब देखिए स्पष्ट लिखा है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास खुले वातावरण में हुआ और प्रकृति के साथ मिलकर के हुआ और हमारी दृष्टि संजीव दृष्टि थी, सर्व स्वीकार्य दृष्टि थी, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति और दर्शन का बंदी में हुआ और प्रकृति को दूर करने में हुआ, इसीलिए हम दोनों की सोच में अंतर होता है। थोड़े क्षण के लिए जरा रुकेंगे जी, रुक गया मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे सिर्फ इतना ही उसमें है कि विचारों का संघर्ष जब होता है, बुद्धिज्म कनिष्क के टाइम में सारे भारत में फैल गया, और वो कैसे फैला उसकी कथा आप अगर जानेंगे तो बुद्धिज्म कैसे फैला, राजधर्म बन गया, राजधर्म बन के चाइना में भी चला गया, जापान में भी चला गया, इधर भी अब चला यही गया। यही भी एक पॉइंट राजधर्म कैसे बना, अब सुनिए राजधर्म बना राजाश्रय बन राजधर्म इसलिए वैदिक धर्म था ना, आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं, थोड़ी ठप्पा रखिए। देखिए पहले नंबर 100,000 कलिंग में जैनियों का वध करके अशोक ने राज्य लिया था और फिर उसका वो प्रायश्चित कर रहा, 100,000 कलिंग का वध करके अशोक ने फिर बुद्धिस्ट बना, भाइयों को मारा, सब कुछ किया, सब काम करने के बाद राज धर्म बनाया बुद्धिज्म को, और वो बुद्धिज्म जो बाहर की शक्तियों को बाहर की जहां की परंपराओं को अस्वीकार कर रहा था, जैसे आज आज का आपका संदर्भ क्या है कि सारा बाहर का ठीक और सारा घर का गलत, बाहर से चाइना से सारा तिब्बत चाइना ये सारा बुद्धिज्म ला रहा था ना, वसुगुप्त काहे के लिए जा रहे थे वहां पर संघर्ष करने के लिए, क्योंकि युक्ति और तर्क के द्वारा कश्मीर में बसे हुए जो आम जन थे उनके देवी देवताओं का भी खंडन कर रहा था, उस वसुगुप्त ने उन सारे वहां की जो जाति के लोग थे उन सबको एकत्रित किया, उनको आस्था दी, शिवत्व का उसमें संयोजन किया, और तब जो जाकर के वहां पर बुद्धिज्म के स्थान कोई उन्होंने हत्या नहीं की, कश्मीरी पंडितों ने वहां कोई हत्या नहीं की, तर्क से युक्ति के बल से, क्योंकि बुद्धिज्म भी युक्ति के बल से ही छाने की कोशिश कर रहा था, उसमें विज्ञप्ति में सर्वम शून्यम, जब उसने ब्राह्मण ने पूछा सर्वम शून्यम करते हो तो फिर बुद्ध से वचनम अपि शून्यम, बुद्ध ने जो कहा वो भी शून्य, फिर कहा कि नहीं ये तो नहीं बात बनी कि बुद्ध शून्यम सर्वम शून्यम है तो फिर आओ ना यहाँ पर, बुद्धिज्म ने बाहर की शक्तियों का आश्रय लेकर के इस देश के ऊपर जो आरोपण किया हुआ था वो आरोपण कितनी देर तक रहा, कनिष्क के बाद हुविष्क और उसके बाद सारे दक्षिण भारत तक बुद्धिज्म फैला हुआ था और केरल से ही ये उसका प्रतिरोध शुरू हुआ, वहां से प्रतिरोध शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी, आस्था और श्रद्धा के बिना शून्यवाद के सिर पर जिया नहीं जा सकता, क्योंकि उस वक्त बुद्धिज्म वो बुद्धिज्म नहीं था जो बुद्ध का कहा हुआ था, उस वक्त बुद्धिज्म जो था वो ये सो कॉल्ड पॉलिट ब्यूरो था, एक पूरे का पूरा बुद्धिज्म का वो पॉलिट ब्यूरो काम कर रहा था, मार्क्स को तकलीफ नहीं थी, पॉलिट ब्यूरो को तकलीफ होती, पॉलिट ब्यूरो जो है वो व्याख्या ऐसे करते हैं मार्क्स की, ऐसे व्याख्या करते हैं कि जैसे मार्क्स को केवल मात्र उन्हीं के लिए पैदा हुआ था और उसकी कमाई खाने में, ये अंतर समझना पड़ेगा कि बुद्धिज्म का यहां कोई संहार नहीं किया, लेकिन बुद्धिज्म के माध्यम से अगर चीन चाइना आकर के कनिष्क का एक साम्राज्य स्थापित हो जाता है और यहाँ के लोगों की सारी परंपराओं को रिजेक्ट कर दिया जाता है,
अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ के लोग विचार से ही अगर उसको, उसने कुमारिल भट्ट जा रहे थे, एक राजकन्या ने कहीं कह दिया उसने वो वेदा अनुधरिष्यति, वेदों को सब डुबो दिया बुद्धिस्टों ने, कौन उद्धार करेगा। तो वो कहते हैं कि कुमारिल भट्ट स्वयं जाकर के बुद्धिज्म में पहले उन्होंने पढ़ा, एक मठ में जाकर के दीक्षा ली, वहां बाकायदा सिस्टमेटिकली बुद्धिज्म को पढ़ा, और फिर एक दिन जब वैदिक उसके धर्म का खंडन कर रहा था आचार्य, उसके सामने कुमारिल भट्ट ने अपना तर्क रखा जब, तो उन्होंने कहा इसको ऊपर से धक्का दो इसको, तो कुमारिल भट्ट को ऊपर से धक्का दे दिया गया, नीचे फेंक दिया गया। दिस वॉज वायलेंस। आप दुनिया भर के जीव जंतु भी खाते जाइए, अहिंसा भी कहते जाइए, अहिंसा परमो धर्म भी है, और दुनिया भर के जीव जंतु भी सब मार के खा जाए, सब काम कर लें, और उसके बाद वो कह लीजिए कि वो गॉड मुझे क्षमा करना, जो कुछ हो गया सो ठीक है। ये विकृतियां जो थी बुद्धिज्म की, विकृतियों ने बुद्धिज्म को डुबोया। बुद्ध ने जो कहा था, उसने कहा था तमाम 35 धम्मपदों के अंदर ब्राह्मण की उसने इतनी तारीफ की है, 35 श्लोक हैं जिसके अंदर वो कहता है आरग्यैरिव शास्त्रो यो न लिम्पति कामेषु तमाम भूमि ब्राह्मणम्। उपनिषदों के मैं उन ऋषियों का आदर करता हूँ। महात्मा बुद्ध के 150 साल तक तो यही नहीं पता किसी को कि बुद्ध ने क्या कहा था, कोई किताब नहीं लिखी। 150 साल बाद संगीति बनी, और उस बुद्ध संगीति में पहली बार कलेक्शन, जैसे कबीर की वाणी का किसी को कुछ नहीं पता लगता, कहत कबीर सुनो भाई साधु लगा दिया, पीछे लगा दिया। वो पंडितों ने, बुद्धिज्म के पंडित मिल करके उन्होंने 150 साल के बाद प्रथम संगीति में पिटक सुत्त पिटक और ये सब बनाना शुरू किया। सर ये संगीति जो है उनके मरने के कुछ ही दिनों के बाद हुई थी, और वो इंतजार किया जा रहा था आनंद के अर्हतत्व की प्राप्ति का। और महाकाश्यप जो उनके सीधे विद्यार्थी थे, उनकी अध्यक्षता में ही यह प्रथम बौद्ध संगीति हमारे घर के पास राजगृह में हुई थी। हाँ, और हाँ। व्यवहार हिल में हुई थी, और वह बहुत 150 साल के बाद दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो है, और इसीलिए आप जब त्रिपिटक पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट कहा गया है, क्योंकि वहां उनके जो सीधे शिष्य थे उन्होंने ही इन सारी बातों को कहा, इदम में श्रुतम, ऐसा मैंने सुना कि बुद्ध ऐसा ऐसा कह रहे थे। और इस प्रकार का कथन वही कर सकता है जो उन्हें साक्षात सुना हो। दूसरी बात, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि बुद्ध भी स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था का प्रकारांतर से पोषक थे, और वसल सूत्र देखिएगा सूत्र निपात में, वो स्पष्ट कहते हैं कि न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। न तो जन्मजात शिशु ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है, वह अपने कर्म से वर्ण की प्राप्ति करता है। उसे ही मनुस्मृति ने कहा है जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। और हमारे आचार्य ने बड़ी ही अच्छी बात कही है, बुद्ध ने कहा एक ब्राह्मण वज्ञ ही है, जो ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, उसकी चर्चा उन्होंने की है। वो कहते हैं वारी पक्खर पत्ते लिम्पति कामेषु तमहं ब्रूमि ब्राह्मण, जो कमल के पत्र की तरह कीचड़ से अप्लावित नहीं होता है, पानी उस पर चल नहीं पाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति संसार में रह करके अपने समस्त कामों से विरत रहता है, लिम्पत नहीं होता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। लेकिन एक बात आचार्य जी, एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को यही, जो गुरु होता है, जो बुद्ध के बाद दूसरा कोई बुद्ध नहीं उत्पन्न हुआ, ये जितने सांप्रदायिक ऋषियों के यहाँ ऋषि पैदा हो गए, बौद्धों के यहाँ बुद्ध नहीं दूसरा पैदा हो सकता है, ऋषियों के यहाँ ऋषि संतान पैदा हो सकती, आगे ऋषि हो सकते, आज तक ऋषि होते चले गए, लेकिन वहां पर ये एक जो सिस्टम बनता है, एक जब एक आप उसमें एक गुरु और फिर उसका ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर युक्ति और तर्क जो है बहुत सारा। इसके लिए बुद्ध का उस वचन का वो बात आती है कि परीक्ष भी ग्राह्यम मत बचो न तो गौरवात,
भिक्षुओं मेरी भी बात को तुम परीक्षा करके ग्रहण करना, मेरे गौरव के कारण नहीं करना। लेकिन क्या नागार्जुन बुद्ध के उस परास्थिति को पहुंचा और वहां से शून्यवाद लाया, या असंग वसुबंधु जो थे वो वहां से लाए? ये विज्ञप्तिवाद, ये जो विज्ञानवाद है, तो मेरा इस सारे इशू को फिर दोबारा कभी लेंगे, क्योंकि अभी समय हो रहा है, पहुंच हो गया और थोड़ा विषयांतरित हो गया ये आज का, लेकिन फिर भी आवश्यक था, अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक नई दिशा मिल गई है विचार करने की। तो मैं चाहूंगा, मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सी के झा जी को कि वो आज के इस विषय पर और इस वेबिनार के जो ट्रेनर हैं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और इस आज की सभा को पूर्ण करें। और उससे पूर्व मैं आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा कि आज शाम को 6 बजे को है इसी लिंक के ऊपर जयनारायण जो यूनिवर्सिटी है उसकी ओर से कश्मीर शैविज्म के ऊपर, अभिनव जी के ऊपर एक लेक्चर प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी का है, उसमें हमें जरूर सहयोग करें, आप जुड़ें। उसकी सूचना जो है वो चैट बॉक्स में भी डाल दी है और अभी थोड़ी देर में जो है उसको व्हाट्सएप पर भी प्रसारित कर देंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सी के झा, कन्वीनर ऑफ द सेमिनार जी। सर्वप्रथम सर अपने को अनम्यूट करें। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो दोबारा जुड़े आप। रीज्वाइन कर लें सर। रीज्वाइन कर लीजिए, तब तक हमारे साथ श्री विजय कुमार कौल जी, वीके कौल जी, समझ गया, और काशी अखून जी, डॉक्टर रितु तलवार जी। सर अच्छा लगा आप जुड़े हमारे साथ, विजय कुमार जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैंने भी काफी एंजॉय किया, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लिया और जो है शास्त्र का भी जो है काफी काफी जानकारी मिली, इसको मैं चाहूंगा इस और कंटिन्यू किया जाए। जी जी, थैंक यू सर। डॉक्टर हिना अनीफ, डॉक्टर चित्रंजन दयाल कौशल जी, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, रविंद्र जलाली जी और गुणनिधि शर्मा जी चंडीगढ़ से, डॉक्टर सुप्रिया जी अमेठी यूनिवर्सिटी से, और श्री डॉक्टर पी एन धर जी, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, सी के झा जी अगर जुड़ गए हैं तो वो धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर अरुणा जी जालंधर से हमारे साथ, लगता अभी तक जुड़े नहीं, चलिए मैं ही तब तक धन्यवाद ज्ञापन कर देता हूँ। वो आज की इस चर्चा में जो विषय के नए आयाम उभर कर आए हैं वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक बहुत ही आनंद की बात है। हमारी चेतना का भी विकास हुआ है, बुद्धि का भी विकास हुआ है, और ये भी समझ में आया है कि जब विषयांतर होने लगे तो दोबारा उसे किस तरह से अपने मार्ग के ऊपर लाना है। इसी बीच में ये भी एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि प्रोफेसर डॉक्टर संजय शर्मा जो डीन साइंसेज हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है और उनका सहयोग भी। झा जी ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, ओके। झा साहब प्लीज। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अब स्पष्ट है। अब तो थोड़े विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज तो बहुत ही मजा आ गया कि ये समझिए कि आप तो हमारे अभिनव गुप्त जी जिस प्रकार सभी विधाओं के संकीर्ण थे, उसी प्रकार से विभिन्न जगहों से विभिन्न विधाओं के जो यहाँ हम सबके बीच में बातें कुछ नई दृष्टिकोण से सुनने को जो मौका मिला,
वाकई में अभूतपूर्व है। तो आज सर्वप्रथम मैं ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध हमारे पूजनीय श्रद्धेय प्रोफेसर रमाकांत आंग्रेस जी ने हमें जो कृष्ण अर्जुन संवाद के माध्यम से प्रत्यभिज्ञा को समझाने के लिए जो बहुत ही सुंदर उपमा से उन्होंने समझाया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से सभी विविध विभिन्न कॉलेज के ओर से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने सही अर्थों में प्रत्यभिज्ञान शब्द को व्यवहारिक धरातल पर ला करके हम सबके जैसे मानस पटल पर कृष्ण अर्जुन संवाद को उस रूप में प्रस्तुत कर दिया, जो नई दृष्टिकोण दी है। पहले हम प्रत्यभिज्ञान को उस रूप में देखते तो थे, लेकिन यहाँ तक हम नहीं सोच पाते थे कि जो व्यापक विराट जो कृष्ण का है उसको उस प्रत्यभिज्ञान को अर्जुन प्रत्यभिज्ञान कैसे करता है। तो इसलिए मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और श्रद्धा शिवानी मोहिया ने जो हमारे अभिनव गुप्त जी के जो किस प्रकार उनके पूर्वज कन्नौज से कश्मीर तक पहुंचे और वहां जाके फिर अभिनव गुप्त जी वहां उनका प्रादार्पण होता है और किस प्रकार से उन्होंने स्वातंत्र्यवाद उन्मिलन निमिलन और शिव के जो पंच कृत्य है सृष्टि स्थिति संहति विलय और अनुग्रह आदि उन सारे ही चीजों का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। तो मैं उनको भी अपनी ओर से व्यवस्थापक की ओर से संयोजक की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे एक वक्ता ललित जी जो हमारे मुंबई से हम सबके बीच में जुड़े हैं, जो आर्टिस्ट हैं और लेडी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से और कला के साथ किस प्रकार का तालमेल है, किस प्रकार से उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर विश्लेषण हम सबके बीच में किया है। मैं अपनी ओर से और आयोजन समिति की ओर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे बीच में श्रद्धेया वीना अग्रवाल जी हैं, इन्होंने भी अपनी टिप्पणी के माध्यम से ही, वैसे तो व्याख्यान इनका बृहत बहुत ही सुंदर विलक्षण होता है, परंतु इनकी जो टिप्पणी थी वो भी निश्चित रूप से हम सब के लिए ज्ञान चक्षु को खोलने वाला था, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी का तो कहना ही क्या, वो जब हम सब के बीच में, मैं उनको बहुत बार बार सुनने को मन करता है कि जब वो बोलते हैं तो उनका ऐसे ऐसी दृष्टिकोण इस प्रकार की बातें वो सामने लाते हैं कि हम सब को बहुत ही आह्लादित कर देते हैं कि हम सब उसमें उस ज्ञान गंगा में डूबकी लगाते रहें सुनते रहें। तो मैं अपनी ओर से और आयोजन समिति की ओर से आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही इस संगोष्ठी में हमारे रैना जी भी हम सब के बीच में उपस्थित हैं और समस्त जो विद्वत वर्ग इस संगोष्ठी में भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ जुड़े हैं, उन सब के बिना इस संगोष्ठी की परिकल्पना और सफलता संभव नहीं है। इसलिए आप सब इसमें जो बहुमूल्य समय दिए हैं उसके लिए भी मैं अब आभार प्रकट करता हूँ। और इस सब के प्रेरणा स्रोत, इस सब के क्रियाकलाप को एक सूत्र में पिरोने वाले आज के हमारे जो मुख्य सचेतक रूप में श्रद्धेय डॉक्टर आशुतोष आंग्रह जी हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सार्थक चर्चा आज हुई है, ये हम सब के लिए, जितने भी श्रोतागण सुनने वाले हैं, सब के लिए
चक्षु उन्मीलन का कार्य करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य अभिनव गुप्त जी का स्मरण करते हुए आप सभी को नमन करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज की सभा बस इस सूचना के साथ मैं पूरी करना चाहता हूँ कि आज शाम को 6 बजे का जो सूचना है वो तो हमने डाली दी है। इसके बाद अभिनव गुप्त के ऊपर 2 तारीख को पटियाला यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग एक आयोजन कर रहा है और उसके बाद 6 तारीख को सिरसा यूनिवर्सिटी जो है चौधरी देवीलाल सिरसा यूनिवर्सिटी वहाँ पर अंग्रेजी विभाग जो है अभिनव गुप्त के ऊपर जो है चर्चा रख रहा है एस्थेटिक फिलोसफी के ऊपर। और भी कोई अगर बीच में होगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का मुझे अभी पता नहीं है लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा तो वो आप सब लोगों को हम समय समय पर सूचित करते रहेंगे। और एक जो अंतिम बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ और निश्चित रूप से उसको नेक्स्ट वीक में या उसके आसपास लेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कश्मीर शैविज्म एंड व्हाट सोशल साइंसेज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू लर्न, इस पे एक वर्कशॉप जो है वो हम आयोजित करने का विचार कर रहे हैं। थोड़ी सी तैयारी उसके लिए हम लोग कर लें, उसके लिए आप लोगों का सहयोग आवश्यक होगा क्योंकि जब तक हम नैरेटिव को चुनौती नहीं देंगे एग्जिस्टिंग नैरेटिव को तो तब तक हम कश्मीर शैव दर्शन को या भारतीय नॉलेज सिस्टम जो है उसको हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो उसको किस तरह से हम प्रयोग में लाएं या किस तरह से उसको मेन स्ट्रीम सिस्टम में लेकर के आए तो उसके ऊपर हम एक ओपन हाउस डिस्कशन करेंगे। उसमें कोई लेक्चर नहीं है, मात्र जो है वो कार्यशाला के रूप में वो रहेगा तो उसकी सूचना जल्दी ही आप लोगों को हम देंगे। और यदि किसी ने अपना फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज भर दीजिएगा, आप लोगों को सर्टिफिकेट जो है आपके ईमेल पे आ जाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ ललित जी को, प्रोफेसर रमाकांत आंगेरस जी को, प्रोफेसर बीना जी को, प्रोफेसर डॉक्टर सरोज कौशल जी को, वीके कॉल जी को, मेरी जानकारी में वो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं और उनका भी एक वक्तव्य जो है हम लोगों ने निकट भविष्य में आयोजित करना है क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत विशेष रुचि है और हमेशा जो है उसको संस्कृत शास्त्रीय उसका मूल्यांकन करने का मेरा उत्सुकता रहती है। तो निश्चित रूप से आपके साथ सर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, प्रोफेसर शिव अविनाश जरूर अवश्य करेंगे, बिल्कुल जी 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 सर। प्रोफेसर अविनाश जी जो बुद्धिस्ट स्टडीज के प्रोफेसर हैं बिहार से, वो भी हमारे साथ निरंतर जुड़ते रहते हैं, और अरुणा चोपड़ा जी और आप सभी लोग, चित्रंजन कौशल जी, शिखा जी, रविंद्र जलाली जी, पियंधर जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ऋतु तलवार जी जलंधर से डीएवी कॉलेज की अध्यक्षा हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। तो शाम को एक बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, शाम को 6 बजे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैडम मीनाक्षी आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। सबों को समवेत नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।